की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कंट्रीज की वॉर से एक विलेज पर बहुत असर पड़ा था। वहाँ के लोगों के पास कुछ नहीं बचा था तो ज्यादातर लोग चोर बन गए थे। गांव को चोरों से बचाने के लिए वहाँ के एक टीचर क्रूसिंग ने गांव पर जादू कर दिया था कि जो लोग गलत काम करेंगे वो वैम्पायर बन जाएंगे और कभी सूरज की रोशनी में नहीं आ पाएंगे और अगर आने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाएंगे। उन्हें अपनी लाइफ अंधेरे में ही जीनी पड़ेगी। इस जादू को तोड़ने के लिए वैम्पायर को अपने चार गुलाम बनाने होंगे जो उसके लिए लोगों का शिकार करेंगे और जब वह 10,000 लोगों का खून पी लेगा तो सूरज की रोशनी में भी जिंदा रह सकता है। अब दिखाते हैं 8 साल बाद का सीन। एक आदमी गांव वालों को बताता है कि फिर से बम गिरने वाले हैं। सब अपनी जरूरत का सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। एक लेडी एक व्हाइट कपड़ा खरीदती है। यह है शो की मेन लीड दाओ, जो अपनी माम की फेवरेट डिश बनाती रहती है। उसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उसकी मम्मी दाओ से कहती हैं कि मैंने तुम्हें आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर इस बार ये जैन होम फ्लावर का सैंड बैग दे रही हूँ। दाओ कहती है कि मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी और उन्हें हक कर लेती है। रात को गांव में बॉम्ब गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोगों को बॉम्ब शेल्टर में जाते हुए दिखाया जाता है। दाओ की मॉम से चला नहीं जाता तभी वहाँ पर एक लड़की से एक को दिखाते हैं जो एक वैम्पायर है और दाओ के साइड वाले आदमी को ले जाती है और उसे मार देती है। अब दिखाते हैं दूसरी वैम्पायर यिंग को जो दाओ और उसकी मॉम के पास आ जाती है। दोनों भागने की कोशिश करती है पर दूसरी वैम्पायर से भी वहीं आकर उनका रास्ता रोक लेती है। उनका मास्टर ये भी वहीं आ जाता है और दाओ की मॉम को मारने की कोशिश करता है। दाओ कहती है कि उनकी जगह मुझे मार दो पर उन्हें छोड़ दो। मास्टर उसकी मॉम को बेहोश कर देता है और दाओ के पास जाकर उसे बाइट कर लेता है और कहता है कि अब तुम मेरी चौथी गुलाम हो, बाकी तीन हैं से, यिंग और पूम। और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए लोगों का फ्रेश ब्लड लाना होगा। 7 दिन बाद दिखाते हैं उसकी माँ को लगता है कि दाओ मर चुकी है। मास्टर ने उसे धमकी दी हुई है कि अगर वो अपने पुराने लाइफ में वापस गई या अपनी माँ से मिलने की कोशिश की तो वह उसकी माँ को मार डालेगा। दाओ के पास अपनी माँ का दिया हुआ सैंड बैग होता है। अब दिखाते हैं 58 ईयर्स बाद का सीन। शो का मेन लीड मरुत, जिसे रुत भी बुलाते हैं, उस विलेज के जंगल में अपने डैड के साथ घूमने आता है। उसके डैड को भी जैन होम फ्लावर्स पसंद हैं। वे कहते हैं कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम भी इन फ्लावर्स से सेंट बनाना बंद नहीं करोगे। मरुत हाँ कर देता है। उसके डैड पिक्चर्स क्लिक करने में बिजी होते हैं। मरुत एक गिलहरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला जाता है। उसके डैड उसे ढूंढते रहते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी दाओ वहाँ आ जाती है और उन्हें मारने वाली होती है, पर वे रोते हुए कहते हैं कि प्लीज मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, वो मेरा एक लौता बेटा है। उनसे चला नहीं जाता तो दाओ उन्हें अपने साथ किसी सेफ जगह पर ले जाती है, पर वे ज्यादा नहीं चल पाते और दाओ से कहते हैं कि अब मेरा बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है। मरुत भी अपने डैड को ढूंढता रहता है। दाओ उन्हें बचाने की कोशिश करती है पर मास्टर आकर उन्हें मार देता है। रुत भी अपने डैड को देख लेता है। दाओ आकर उसे हक कर लेती है। अब रुत बड़ा हो चुका है और अपने डैड की ग्रेव के पास जैन होम फ्लावर्स ही लेकर आता है और कहता है कि 15 साल बाद भी मैं वो इंसिडेंट भुला नहीं पाया हूँ। जैसा आपने कहा था मैं वैसा ही करूँगा। रात को मरुत उसी की ड्राइंग बनाते हुए उसे याद करता है। तभी वीरा उसे कॉल करके बताता है कि कल हमें जैन होम के जंगल का सर्वे करना है। लाइट जाने पर वीरा कॉल कट कर देता है। उसके घर दाव आ जाती है। फेस पर हल्का सा स्क्रैच कर देती है। ब्लड की स्मेल से मास्टर वहां आ जाता है और उसे मार देता है। रुत घर पर अपने डैड को सपने में याद करके डर जाता है। उसकी मम्मी उसकी ड्राइंग देखती है और कहती है कि तुम फिर से इस लेडी की पिक्चर बना रहे हो, अब इन सब का क्या फायदा है। रुत कहता है कि फायदा है, अगर हम इस लेडी को ढूंढ लें तो ये बता सकती है कि डैड को किसने मारा है।
वे कहती हैं कि मैं बता चुकी हूँ किसी एनिमल ने मारा है और ये टॉपिक यहीं खत्म। रेडी होकर काम पर जाओ और चली जाती हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसके मॉम ने भी देख लिया था कि उन्हें वैम्पायर ने मारा है। वे चाहती हैं कि उनका बेटा दोबारा उस विलेज के मैटर में इन्वॉल्व ना हो। आंट टैब रूथ को बताती हैं कि हमारी कंपनी के ग्रुप का एम्प्लॉय वीरा मर चुका है। रूथ उन्हें अपने मॉम को इस बारे में कुछ भी बताने से मना करता है। उसका फ्रेंड मनत भी आकर उसे यही बताता है। रूथ कहता है कि सच का पता तो लगाना पड़ेगा। दोनों वीरा की बॉडी पर मार्क देखते हैं। रूथ याद करता है कि उसके डैड की बॉडी पर भी यही मार्क था। वे कहता है कि वीरा को भी उसी ने मारा है जिसने मेरे डैड को मारा था। ये किसी जानवर का काम नहीं है। उसका दूसरा फ्रेंड पैट आकर बताता है कि ये किसी वैम्पायर का काम है। पैट को एक कॉल आता है। वह रूथ को बताता है कि जैसी लड़की तुम बताते हो वैसी की लड़की मिली है। तीनों वहां आ जाते हैं पर वो दाऊ नहीं होती। मनत पूछता है कि कैसे कंफर्म करोगे कि ये वही है, तुमने उसे देखा नहीं है। रूथ उसे हक करके जैन होमफ्लावर की खुशबू याद करता है और कहता है कि तुम वो नहीं हो और चला जाता है। और बाहर आकर सोचता है कि मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा पर मैं वो जैन होम की खुशबू नहीं भुला पाया। मुझे पता है तुम हो, एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। रूथ की मॉम को आंट टैब न्यूज पढ़ने से रोकती हैं पर वो नहीं मानती। पर तभी कैट वहां आ जाती है और उन्हें बाय चांस वीरा के डैड के बारे में बता देती है। रूथ अपने के ग्रुप फैक्ट्री में आता है और कहता है कि जब भी मैं मॉम से जैन होम जंगल के बारे में बात करता हूँ वह गुस्सा हो जाती है। कुछ एम्प्लॉयज रूथ का सामान वहाँ से बाहर ले जाते हैं और ये काम होता है उसकी मॉम का। वे कहती हैं कि इस कंपनी की प्रेसिडेंट मैं हूँ, जो मैं डिसाइड करूँगी वही होगा। रूथ कहता है कि मैं डैड का ही इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ। क्या आप डैड की विश पूरी नहीं करना चाहती? वे कहती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता है और मैं बता भी नहीं सकती और चली जाती हैं। दाऊ एक गुफा में होती है और याद करती है कि मेरी वजह से कितने लोग मर चुके हैं और गुस्सा करती है। उसके बाद वह गुफा का गेट खोल देती है और धूप में अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर से आकर उसे रोशनी से हटा देती है और उसके पास जाकर कहती है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। दाऊ कहती है कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहती, मुझसे ये सब और नहीं होगा। से बताती है कि मैं पिछले 74 ईयर से यहाँ हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूँ? तभी एक आदमी वहाँ आ जाता है और गुफा को चेक करना स्टार्ट कर देता है। से गुफा का गेट बंद कर देती है और जाकर उस आदमी को मार देती है। दाऊ उसे रोकती है पर वह नहीं मानती और कहती है कि हम वैम्पायर्स ऐसा करके एक ना एक दिन नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं, ऐसा छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी इंग और पूम वहां आ जाती हैं। दाऊ को लॉक कर दिया जाता है क्योंकि उसने दिन में गुफा का गेट खोला। दाऊ अपनी मॉम का दिया हुआ सैंड बैग देखती है और प्रे करती है कि मुझे यहाँ से निकलकर अपने मॉम से मिलना है। रूथ अपने डैड से कहता है कि अब मैं क्या करूँ। कैट उसके पास आती है और कहती है कि इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना, अगर मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बता देना। रूथ कुछ सोचकर स्माइल कर देता है। रात को रूथ अपनी मॉम से कहता है कि अब मैं उस विलेज के जैन होमफ्लावर वाले प्रोजेक्ट को छोड़ रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है कि अब मैं फैक्ट्री बंद कर सकती हूँ। रूथ कहता है कि मैं आज से होटल के बिजनेस पर फोकस करूंगा। कैट कहती है कि अब इसका फोकस काम पर है, आप मेरे साथ घूमने चलो। रूथ भी हाँ कर देता है। वे पूछती हैं कि कहाँ जाना है। कैट 2 हफ्ते के लिए यूरोप जाने के लिए कहती है। ये प्लानिंग है रूथ की। रूथ उन्हें बाहर तक ड्रॉप करने आता है। कैट कहती है कि आई होप 2 हफ्ते में तुम्हारा मिशन पूरा हो जाए। रूथ कहता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। उन लोगों के जाने के बाद रूथ अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है जो बाहर ही खड़े रहते हैं। रूथ कहता है कि उस विलेज जाकर सच का पता लगाना ही है। दाऊ वहाँ पर पूम को अपनी बातों में फंसाकर उसे हिट करके वहाँ से भाग जाती है। मरुत भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं आता रहता है। दाऊ भी जंगल में ही होती है। पूम यिंग को बताती है कि दाऊ भाग गई। वह उसे हिट कर देती है। से को भी पता चल जाता है। दाऊ कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है, पर वो अपने मास्टर के एरिया से बाहर नहीं जा पाती। से उसे रोकती है और स्टूपिड बताकर कहती है कि तुम ये एरिया क्रॉस नहीं कर सकती। दाऊ कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है। से कहती है कि तुम्हें मरे हुए 74 इयर्स हो चुके हैं, अब तक तुम्हारी मॉम मर चुकी होंगी, सपने देखना बंद करो, रियल लाइफ में जियो। दाऊ कहती है कि मेरी मॉम जिंदा होंगी, मैं ढूंढ लूंगी। से उसे बेहोश कर देती है। दोनों दाऊ को ढूंढते रहते हैं। वहाँ उन्हें एक हिरन मिलती है जिसे किसी वैम्पायर ने मारा है। मास्टर समझ जाता है कि ये दाऊ का काम है। दाऊ बेहोश होती है और होश में आने पर कहती है कि ये मैंने नहीं किया है। से कहती है कि चुप रहना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। और मास्टर के आने पर कहती है कि दाऊ भागी नहीं थी, बस खाना ढूंढने आई थी। मास्टर दाऊ से कहता है कि इंसान का ब्लड तुम्हें कैसा लगा, क्या हिरन के ब्लड से अच्छा था?
और उसे हिट करके कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगता हूँ, और मैजिक यूज करके उसे हर्ट करता है। उसके बाद दाव को सोते हुए दिखाते हैं। से आकर बताती है कि आज फुल मून है, तुम्हें किसी इंसान का शिकार करके मास्टर को दिखाना होगा। सब उस विलेज के जंगल में आ जाते हैं। से उनकी कार के आगे आ जाती है तो वे कार रोक देते हैं और बाहर आकर चेक करते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। पैट कहता है कि क्या वो लड़की भूत थी। कार के इंजन को पानी की जरूरत होती है पर उनके पास पानी नहीं होता, तो रुद पानी लेने चला जाता है। वहाँ की सीन देख कर रुद स्माइल करता रहता है और पानी भरना स्टार्ट कर देता है। दाव वहाँ आ जाती है और उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसके खड़े होने पर उसे पानी में पुश कर देती है। दाऊ रुद को बाइट करने वाली होती है। रुद कहता है कि क्या तुम वही हो। दाऊ कहती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। रुद कहता है कि तुम वो नहीं हो सकती और वहाँ से जाता है। दाऊ से रुकती है पर रुद उसे पानी से बाहर आने के लिए बोलकर चला जाता है और टर्न करके दाऊ को देखता है, पर वह उसके पीछे खड़ी होती है। रुद डर जाता है और पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो। दाऊ कहती है कि मैं यहां नहाने आई थी। रुद इधर उधर देखकर कहता है कि ये जगह डेंजरस है। दाऊ कहती है कि इंसान ज्यादा डेंजरस होते हैं। रुद हंसकर कहता है कि ऐसी बातें करने से मैं तुम्हें बड़ी नहीं समझूंगा, तुम छोटी बच्ची हो। दाऊ कहती है कि बच्ची? रुद कहता है कि तुम्हारी एज 20 ईयर से ज्यादा नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम बोल रही हो किसी मंदिर में सुनकर आई होंगी। दाऊ कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने लोगों को मरते हुए देखा है। रुद कहता है कि घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स को टेंशन हो रही होगी, और चला जाता है। दाऊ वापस आती रहती है। से आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए शिकार अरेंज किया था, तुमने उसे मारा क्यों नहीं। दाऊ कहती है कि वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। से कहती है कि मुझे अपने शिकार पर जाना है, तुम भी जल्दी उसे मारो वरना मास्टर तुम्हें मार देंगे, और चली जाती है। रुद पानी लेकर वापस जाता रहता है। दाऊ उसके पीछे ही होती है और सॉरी बोलकर कहती है कि मुझे तुम्हें मारना होगा, और मैजिक यूज करके एक टाइगर क्रिएट कर देती है। रुद टाइगर देखकर डर जाता है। दाऊ रुद के पीछे ही होती है। रुत उसे देखता है और फिर टाइगर को। दाऊ उसे हिट करने वाली होती है पर रुत उसे लेकर वहां से भाग जाता है। रुत पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। दाऊ मना कर देती है। दोनों फिर से भागना स्टार्ट कर देते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। रुत सिचुएशन पर हंस देता है। दाऊ भी हंसकर कहती है कि ऐसी सिचुएशन में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। रुत कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। दाऊ से देखती रहती है। रुत कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैं इंसान नहीं हूँ। दाऊ कहती है कि जिसे तुम नहीं जानते उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। रुत कहता है कि इसे इंसानियत कहते हैं। दाऊ स्माइल कर देती है और सोचती है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो मास्टर मुझे मार देगा। रुत कहता है कि सब ठीक लग रहा है, चलो। दाऊ मैजिक से टाइगर को वहीं बुला लेती है पर उनके पास आता रहता है, तो रुद दाऊ को साइड में पुश कर देता है और बेहोश हो जाता है। दाऊ मैजिक खत्म कर देती है और रुद के पास आकर कहती है कि तुम्हें बेहोश करने के लिए सॉरी, पर मुझे पता चल गया कि तुम मुझे सच में बचा रहे थे। रुद को गए हुए बहुत देर हो जाती है तो पैट और मन्नत अपने ड्राइवर को वहीं छोड़कर उसे ढूंढने चले जाते हैं। रास्ते में मन्नत को से दिखती है पर पैट के देखने पर गायब हो जाती है। मन्नत कहता है कि शायद मेरी इमेजिनेशन होगी। उनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होते, से मन्नत पर अटैक करने वाली होती है पर किसी की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। ये है मिस्टर इन जो से का हस्बैंड था। इन से को देखता है तो से वहाँ से चली जाती है। दोनों उसके पास आते हैं। इन ड्रंक होता है और चला जाता है। दोनों फिर से रुद को ढूंढने चले जाते हैं। से अपना पास्ट याद करती है
इनने उसे एक सीटी देकर कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना, अगर तुम खतरे में हुई तो इसे बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। से उसे अपना ब्रेसलेट देकर कहती है कि अगर कभी तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए तो इसे फेंक देना। थोड़े दिनों बाद वो ब्रेसलेट ये के पास होता है। से कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, वापस दो। ये उसे बताता है कि इनने मुझे ये दिया है और बदले में उसने मुझसे तुम्हारे डैड क्रूसिंग की बुक ली जो मैंने चुराई थी। से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कहता है कि अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो तो खुद जाकर यानहोम गुफा में देख लो। से गुफा में आती है तो इन उसके डैड को मार रहा होता है। से कहती है कि तुमने अपने टीचर को ही मार दिया, इन उसे कुछ बताने वाला होता है, पर से नहीं सुनती और कहती है कि मेरा ब्रेसलेट भी तुमने ये को दे दिया। मुझे भी जानना है अमर होकर कैसा लगता है, तुमने अमर होने के लिए ही ऐसा किया है ना, और चली जाती है। उसके बाद वह ये से आकर कहती है कि मुझे भी अपने जैसा बना दो। ये उसे बाइट कर लेता है। दाउरुद के पास होती है और मच्छर भगाते हुए इसके नेक पर ब्लड देख लेती है और अपने वैम्पायर लुक में आ जाती है। दाउ अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। रुत उठकर उसे देखता है पर वो नॉर्मल हो जाती है। रुत पूछता है कि टाइगर कहाँ गया, तुम ठीक हो ना। दाउ कहती है कि टाइगर चला गया, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। रुत कहता है कि हम बच गए, चलो यहाँ से चलते हैं। दाउ उसे देखती है। रुत उसे उठाता है और स्माइल करके चला जाता है। से वही सीटी देखती रहती है। वैम्पायर बनने के बाद उसने सीटी बजाई थी, तभी इन वहाँ आ गया था। ये ने उसे बताया था कि अब ये वैम्पायर बन चुकी है। इन उस पर अटैक करता है पर ये की पावर उससे ज्यादा होती है। ये भी उस पर अटैक करके उसे नीचे फेंक देती है। उसके पास भी अमर होने की पावर है तो वो बच जाता है। इनसे के पास आकर कहता है कि अगर मैंने मैजिक की प्रैक्टिस अच्छे से ना की होती तो 74 इयर्स पहले मैं मर चुका होता। से कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। इन कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, पर दूसरे लोगों को मत मारो, ये गलत है। से उसे हिट कर देती है। से कहती है कि तुम बस अच्छे बनने का नाटक करते हो, तुमने मेरे डैड को मारा है, मैं एक बुरी वैम्पायर बनूंगी ताकि मुझे देखकर तुम्हें एहसास हो कि मुझे ऐसा बनने पर तुमने मजबूर किया है, और चली जाती है। रुत फोन में नेटवर्क चेक करता रहता है। दाउ उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताती है। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। रुत हैंड शेक करता है पर दाउ ऐसे ही हेलो बोल देती है। रुत स्माइल कर देता है। दाउ उसके यहाँ आने का रीजन पूछती है। रुत बताता है कि मैं पता करने आया हूँ कि मेरे डैड और मेरी कंपनी के एम्प्लॉय को किसने मारा है, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी जानवर का काम है। और दाउ को देखकर पूछता है कि तुम यहीं रहती हो, क्या तुम्हें कुछ पता है। दाउ कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, और चली जाती है। रुत उसके पीछे जाता है पर वह उसे नहीं मिलती, चुपकर उसे देखती रहती है और कहती है कि ये शायद हमारे किसी शिकार का बेटा है, ये गुफा में होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसे भी ये ने अपनी बातों में उलझा कर वैम्पायर बना दिया था। यिंग गुस्सा करती है। वो माँ का रीजन पूछती है। यिंग कहती है कि मैंने गुफा में बंद होने के लिए ये लाइफ चूज नहीं की थी। पूम कहती है कि तुम्हें मास्टर की बातों में नहीं आना चाहिए था। यिंग कहती है कि जाकर मेरे लिए शिकार ढूंढो। पूम कहती है कि रूल है हम गुफा में शिकार नहीं ला सकते। यिंग कहती है कि तुम्हें लाना होगा और पूम के जाने के बाद कहती है कि अगर ये अपना प्रॉमिस तोड़ सकता है तो मैं भी रूल तोड़ सकती हूँ। रुत दाउ को ही ढूंढता रहता है और कहता है कि ये छोटी सी लड़की मुझ जैसे बड़े को कैसे टेंशन दे सकती है। पूम उसे छुपकर देखती है पर दाउ उसे वहाँ से ले जाती है और कहती है कि वो मेरा शिकार है। पूम कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। दाउ कहती है कि ये मास्टर का ऑर्डर है कि मुझे शिकार करना है, क्या तुम मास्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट जाओगी। रुत भी वहीं आ जाता है। पूम वहाँ से चली जाती है। रुत दाउ के पास आता है और पूछता है कि ये मास्टर कौन है। दाउ को टेंशन हो जाती है। रुत कहता है कि नॉर्मल क्वेश्चन ही तो है, यह तुम्हारा मास्टर नॉर्मल इंसान नहीं है। दाउ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बॉस हैं, मैं उनके घर का काम करती हूँ। रुत कहता है कि मुझे तो आसपास कोई घर नहीं दिख रहा है। दाउ कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी वापस जाना होगा। तभी उसके पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मास्टर मैजिक करता रहता है। दाउ उसे जाने के लिए बोलकर चली जाती है। रुत उसके पीछे जाता है और पैर चेक करके कहता है कि शायद कोई इन्फेक्शन हुआ है। दाउ कहती है कि मेरी टेंशन मत लो, जाओ यहाँ से। रुत कहता है कि मैं तुम्हारे पैर के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहना, और चला जाता है। दाउ को दर्द होता रहता है। यिंग मास्टर के पास आकर कहती है कि तुम्हारे 10,000 लोग कब पूरे होंगे, मैं और वेट नहीं कर सकती। दाउ ठीक हो जाती है और रुत को ढूंढने जाती है। उसे वह मिल जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो गई। दाउ कहती है कि अब तुम वापस चले जाओ और वहाँ से जाती है। रुत कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दाउ कहती है कि मेरा घर नहीं है, मैं अपने बॉस के घर पर ही रहती हूँ और उन्हें किसी बाहर वाले का आना पसंद नहीं है।
रुथ कहता है कि मैं गेट तक छोड़कर आ जाऊंगा। दाऊ मना करती है। रुथ कहता है कि मैं ही छोड़ने जाऊंगा। तभी उसके फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहां क्या कर रहे हो। रुथ कहता है कि दाऊ से बात कर रहा था, पर दाऊ वहां नहीं होती। पैट कहता है कि क्या वो भूत थी। मनद उसे चुप कर देता है और वहां से ले जाता है। दाऊ कहती है कि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को इस जंगल में मरने की जरूरत नहीं है। से इनकी दी हुई सीटी फेंक देती है। दाऊ अगर पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। से कहती है कि क्या तुमने उसे मारा। दाऊ कहती है कि मैं उसे नहीं मार सकती। से कहती है कि अगर तुम यहाँ से निकलकर अपनी माँ को ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें उसे मारना होगा, वरना मास्टर तुम्हें मार डालेगा और तुम कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाओगी। तीनों वापस जाते रहते हैं। मनत अपने शूलेस बांधने के लिए रुक जाता है। पूम आकर उसे ले जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों से ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पूम उसे यिंग के पास ले आती है। मनत पूछता है कि तुम लोग कौन हो। यिंग उसे वैम्पायर बनकर दिखा दिया। मनत उसे शूट करने वाला होता है, पर यिंग उसे बाइट कर लेती है। गोली की आवाज़ सुनकर मास्टर वहां आ जाता है और कहता है कि तुम इसे गुफा में क्यों लेकर आई। यिंग उसे इग्नोर करती है। मास्टर उसके पीछे जाता है। मनत जिंदा होता है। मास्टर कहता है कि तुम्हें पता है मैं बस फुल मून पर ही ब्लड पीता हूँ, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो तुम जाकर शिकार क्यों नहीं करती। यिंग कहती है कि मैं दाओ और से की तरह तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, कोई और रास्ता होगा। मास्टर कहता है कि सपने मत देखो और चला जाता है। यिंग कहती है कि तुम्हें एक दिन मेरे आगे झुकना होगा। दोनों से ढूंढते रहते हैं। रुथ और पैट भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दाओ को फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मास्टर मैजिक करना स्टार्ट कर देता है। रुथ उसके पास आ जाता है और उसका पैर चेक करता है। दाओ कहती है कि तुम्हें मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए। रुथ कहता है कि बुरा भी क्यों करना चाहिए। दाओ कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे। रुथ उसे पागल छोटी लड़की बताता है और कहता है कि ऐसा करोगी तो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। दाओ चलते हुए गिर जाती है और रुथ से कहती है कि तुम्हें विलेज में मंदिर जाकर पुजारी के पास रहना होगा। रुथ कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? क्या तुम किसी से छुप रही हो? और उसे उठाता है। दाऊ के पुश करने पर रुथ को चोट लग जाती है और ब्लड की स्मेल मास्टर को आ जाती है। दाऊ कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। रुथ कहता है कि जरा सा स्क्रैच ही तो है। दाऊ कहती है कि खून की एक बूंद तुम्हें जान से मार सकती है और उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि ज्यादा टाइम नहीं है। रुथ दोबारा पूछता है कि तुम किससे डर रही हो। उसे मास्टर के आने का पता चल जाता है। से ड्राइवर के पास आ जाती है। दाऊ रुथ को बचाती रहती है। उसको लगने वाली चोट रुथ अपने ऊपर ले लेता है। दाऊ पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। मास्टर ब्लड की स्मेल को फॉलो करता रहता है। दाऊ रुथ को हक करके कहती है कि मास्टर प्लीज रुथ को कुछ मत करो, मुझे मार डालो पर इसे जाने दो। से ड्राइवर को हिट कर देती है तो मास्टर रुथ की साइड से ड्राइवर की साइड टर्न हो जाता है और से को हटाकर ड्राइवर को मार देता है। से मन में कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती थी दाऊ। दाऊ रोती रहती है। रुथ कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। दाऊ उठ कर जाती है। रुथ कहता है कि तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा मास्टर मुझे क्यों मारेगा, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। दाऊ कहती है कि मैंने यहाँ लोगों को मरते हुए देखा है, अगर तुम भी उनकी तरह नहीं मरना चाहते तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पैट के आने पर दाऊ वहाँ से चली जाती है। पैट कहता है कि क्या तुम फिर से खुद से बातें कर रहे हो। रुथ कहता है कि मैं दाऊ से बात कर रहा था, क्या तुमने उसे नहीं देखा। पैट मना कर देता है और उसे वहां से ले जाता है। दाऊ ने सेफली भेजने के लिए तूफान ला देती है। वे लोग मंदिर के सामने आकर रुकते हैं और तूफान बंद हो जाता है। पुजारी मंदिर से बाहर आते हैं। रुथ को उनका नाम पता होता है, उसे दाऊ ने बता दिया था। वे कहते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो। रुथ उन्हें बता देता है कि जंगल में एक लड़की दाऊ ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था, क्या आप दाऊ को जानते हैं। वे उन्हें आज रात मंदिर में ही रुकने के लिए कहते हैं। रुथ कहता है कि मेरा फ्रेंड मिसिंग है। वे देख लेते हैं कि दोनों के साथ क्या हुआ है और कहते हैं जो होना है होकर रहता है, तुम यहाँ तक पहुँचे हो, कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा कहाँ जाना है। और उन्हें एक घर में रेस्ट करने भेज देते हैं। वहाँ लाइट जाने पर पैट डर जाता है। तभी इन वहाँ आ जाता है। पैट उन्हें पहचान लेता है। इन पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है। रुथ बताता है कि वो मिसिंग है। इन कहता है कि तुम यहाँ जंगल में मरने क्यों आए हो, कल तुम्हें उसकी डेड बॉडी मिलेगी। और बाहर से को देखकर उन लोगों से कहता है कि कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना, तभी सेफ रहोगे, और चला जाता है। दाऊ रुथ की हेल्प करने के लिए पुजारी को थैंक यू बोलती है। वे कहते हैं कि अच्छे काम करती रहो, किस्मत बदल सकती है और इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो सकते हैं, और चले जाते हैं। दाऊ कहती है कि कौन सा इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो सकता है। इन बाहर होता है। से उसका पीछा करती है। इन पीछा करने का रीजन पूछता है।
वे कहती है कि मैं देखने आई थी कि तुम कब मरोगे। इन कहता है कि तुम जानती हो मैं अमर हूँ और पास्ट की बातें स्टार्ट कर देता है। से उसे हिट करती है पर वे फिर भी बोलता रहता है। दाओ के आने पर से वहाँ से चली जाती है। दाओ उसके पीछे जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा और अंकल इनका झगड़ा हुआ है। से कहती है कि ये नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना और चली जाती है। वो मन्नत की बॉडी को गुफा से बाहर लाती रहती है और दाओ से कहती है कि कल मास्टर तुम्हें पनिशमेंट देंगे। से अंदर चली जाती है। वो मन्नत की बॉडी को जंगल में छोड़कर चली जाती है। उसे होश आ जाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। रात को रुद अपनी चोट देखकर कहता है कि दाओ ने ऐसा क्यों कहा था कि एक खून की ड्रॉप तुम्हारी जान ले सकती है और ये मास्टर कौन है। इन विलेज में होता है या अगर एक आदमी पर अटैक करता है इन उसे बचाता है। बाकी लोग आकर सोचते हैं कि इन्हीं उस आदमी को मार रहा था। वे उसे रूम में लाकर गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद ये वहीं आ जाता है और कहता है कि इस गांव में बस तुम्हें पता है कि मैं वैम्पायर हूँ और तुम्हारी पावर्स मेरी पावर्स के आगे कुछ नहीं है। इन उसे हिट करने की कोशिश करता है पर मास्टर उसे फाइट में हरा कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस को ड्राइवर की बॉडी मिल जाती है। एक चोर ड्राइवर का पर्स चुराता है। ऑफिसर आकर उसे हिट कर देता है। यह है ऑफिसर वायु जो ड्राइवर का पर्स चेक करता है। उसके सबऑर्डिनेट्स आकर बताते हैं किसे किसी एनिमल ने मारा है। वायु उन्हें एविडेंस ढूंढने भेज देता है। दोनों भी वहीं आ जाते हैं। वायु पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। रुद बताता है कि हमारा ड्राइवर था। वायु उन्हें पुलिस स्टेशन ले आता है। रुद बताता है कि मेरा फ्रेंड भी मिसिंग है। वायु पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब हुआ। रुद बताता है कि मैं एक लड़की दाओ से मिला था। उसकी बातों से ऐसा लगा कि उसका बॉस मुझे मारना चाहता है और वो डरी हुई भी थी। अगर हम दाओ को ढूंढ लें तो कुछ पता चल सकता है। वायु कहता है कि क्या तुम्हें उसका फेस याद है। रुद उसकी पिक्चर ड्रॉ करता रहता है और उसके बारे में सोचकर स्माइल कर देता है। दाओ भी रुद को याद करके स्माइल करती रहती है। रुद वायु को फोटो दिखा देता है और सोचता है कि हमें दोबारा मिलना होगा दाओ। ओम को गुफा में मन्नत का मोबाइल मिलता है। यिंग उससे फोन ले लेती है। फोन रिंग करता है तो वहाँ रुद और उसकी मम्मी की फोटो आ जाती है। यिंग शॉक हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं यिंग उसकी मॉम को ले गई थी और मार नहीं वाली थी पर उन्होंने पर्स से चाकू निकाल कर उसे हिट कर दिया था। ये चाकू उनके पंडित जी ने उन्हें दिया था। पूम रुद का फोटो देखकर कहती है कि ये लड़का तो दाओ का शिकार है पर उसने इसे मारा नहीं। इसका नाम रुद है। यिंग कहती है कि ये लोग 15 साल बाद वापस क्यों आए हैं। पता करो ये मरुत यहाँ क्या करने आया है। पैट और रुद दाओ के बारे में पता करते रहते हैं। ये है पिन जो रुद को अपना फ्यूचर हस्बैंड बताती है। रुद स्माइल कर देता है। उसकी मम्मी उसे साइड कर देती हैं। रुद उनसे पूछता है कि क्या आप दाओ को जानते हैं। वे बताती हैं कि ये लड़की इस विलेज की नहीं है। रुद कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मन्नत की कंडीशन सीरियस है। दोनों उसके पास आ जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि शायद किसी एनिमल ने अटैक किया है। मन्नत नींद में ही वैम्पायर का नाम लेता है। ऑफिसर वायु भी वहाँ आता है। पैट बताता है किस पर वैम्पायर ने अटैक किया है। रुद कहता है कि ये होश में नहीं था। इसे किसी इंसान ने ही हिट किया है। अगर उसे पता है कि मन्नत मरा नहीं है तो वो दोबारा इसे मारने आएगा। वायु कहता है कि हम उन्हें पकड़ सकते हैं और आज रात की प्लानिंग बनाकर चले जाते हैं। पैट कहता है कि क्या तुम हमारे फ्रेंड को इनका चारा बनने दोगे। इन विलेज में होता है। एक इंस्पेक्टर आकर सबको बता देता है कि मन्नत अभी जिंदा और हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। पैट कहता है कि अब हम क्या करेंगे। रुद कहता है कि तुम्हें मन्नत की जगह लेटना पड़ेगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पैट कहता है कि हॉस्पिटल में एंट्री कैसे लेंगे। हॉस्पिटल में फुल सिक्योरिटी होती है। दोनों डॉक्टर और पेशेंट बनकर आते हैं। जैसे ही रूम में आते हैं सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है। वायु कहता है कि तुम्हें कहा था ना इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना और दोनों को सिक्योरिटी रूम में ही अपने साथ रखता है ताकि मैं कहीं भागे ना। से कहीं जाती रहती है। दावा कर पूछती है कि कहाँ जा रही हो। से उसे बता देती है कि हमारा एक शिकार जिंदा है, उसे ही मारने जा रही हूँ। अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमारे बारे में सबको बता देगा, या तो वो मरेगा या हम सब, और चली जाती है। दाओ कहती है कि से उसे मार देगी, अब क्या करूं। से हॉस्पिटल आ जाती है। दाओ भी वहीं होती है और से को ढूंढती रहती है। एक ऑफिसर से को आगे जाने से रोकता है। से उसे हिट करके चली जाती है। से को दाओ के आने का पता चल जाता है। से उसे साइड में ले जाती है। उसका सैंड बैग वहीं गिर जाता है। से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। दाओ कहती है कि उसे मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो हो सकता है। से उसे बेहोश कर देती है और चली जाती है। उसके बाद से मैजिक यूज करके लाइट भगा देती है।
रुत और पैट को भी टेंशन हो जाती है। सी सबको बेहोश करके अंदर चली जाती है। ऑफिसर सिस्टम चेक करने में बिजी होते हैं तो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। से उसे मारने वाली होती है, इन उसे रोकता है पर से नहीं मानती। मनत हेल्प के लिए चिल्लाता है पर से उसे चुप कर देती है। इन एक लॉकेट पर मैजिक करके से को पहना देता है। से बेहोश हो जाती है, इन उसे वहाँ से ले जाता है। दोनों बाहर आकर स्टेज से जाने के लिए कहते हैं। रुत तो निकल जाता है पर पैट को ऑफिसर देख लेता है और अपने साथ ले जाता है और वायु के पास ले जाता है। वायु कहता है कि रुत कहाँ है और उसे ढूंढने चला जाता है। दाव को होश आ जाता है। रुत को दाव का सैंड बैग मिल जाता है। वह स्मेल करके कहता है कि दाव यहाँ क्या कर रही है। दाव मनत के पास आती है और उसे जिंदा देखकर खुश होती है। रुत भी मनत के पास आता रहता है। मनत पूछता है कि तुम कौन हो। दाव कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी और उसे हिप्नोटाइज करके कहती है कि कल रात तुम जंगल में खो गए थे। एक ब्लैक टाइगर ने तुम पर अटैक किया, उसके बाद तुम्हें कुछ याद नहीं है। मनत बेहोश हो जाता है। रुत गलत रूम में आ जाता है पर वायु मनत वाले रूम में आकर दाव को देख लेता है। दाव भी उसे देखकर वहां से भाग जाती है। वायु बाहर आकर चेक करता है पर दाव उसे नहीं मिलती। मनत को होश आ जाता है। वायु पूछता है कि जंगल में क्या हुआ था। मनत वही बोलता है जो दाव ने उसे बोलने के लिए कहा था। वायु दाव के बारे में सोचता है। दाव कहती है कि बिना मारे भी काम हो सकता है। रुत उसके पास आ जाता है और कहता है कि फाइनली तुम मिल ही गई। दाव से अपना सैंड बैग ले लेती है। रुत पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी। दाव कह देती है मेरा रिलेटिव यहाँ एडमिट है, उसी से मिलने आई थी। रुत कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। दाव कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। रुत उसके पीछे जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी कैसे जा सकती है। दाव कहती है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमें दोबारा मिलना नहीं चाहिए। वापस जाते हुए दाव पूम को देखती है जिसकी नज़र रुत पर होती है। दाव जाकर पूम को हिट करके बेहोश कर देती है और रुत के पास आकर कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे। रुत कहता है कि अभी तो तुमने मना किया था। दाव कहती है कि घर जाने की लास्ट बस भी मिस हो गई है, प्लीज घर ड्रॉप कर दो। रुत कहता है कि अगर मैंने आज तुम्हारा घर नहीं देखा तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दाव कार में बैठ जाती है और इधर उधर देखती रहती है और कहती है कि जल्दी चलो। रुत कहता है कि क्या तुम कुछ भूल नहीं रही हो। दाव से थैंक यू बोलती है। आगे रास्ते में एक मरा हुआ डॉग होता है तो दाव उसकी स्मेल से वैम्पायर लुक में आ जाती है और कहती है कि आगे एक डॉग है, कार रोको। रुत डॉग को देख लेता है और आकर चेक करता है पर वो जिंदा नहीं होता। रुत कार से एक कपड़ा लाकर डॉग को कवर कर देता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता यहाँ एक डॉग है। दाव फेस टर्न कर लेती है। रुत उसे देखता है। दाव रोते हुए कहती है कि प्लीज उस डॉग को बचा लो। रुत कहता है कि वो मर चुका है। दाव उसके पास आकर रोने लगती है और उसे हक कर लेती है। उसके बाद दोनों उसे वहीं मिट्टी में दबा देते हैं। इन से को वापस ले आता है और उसके गले से लॉकेट निकालकर उसके पास ही बैठ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं इसे के डैड पहले ही मर चुके थे, बस हिप्नोटाइज थे, इसीलिए इनने उन्हें मार दिया था। से को होश आ जाता है। वे कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। इन कहता है कि पुलिस ने जाल बिछाया हुआ था, अगर पकड़ी जाती तो बुरा होता। से कहती है कि क्या तुम सोच रहे हो मेरी हेल्प करके मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इन कहता है कि अगर मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मार डालो। से कहती है कि अगर दोबारा मेरे काम के बीच में आए तो सच में मार दूंगी और चली जाती है। इन रोता रहता है। रुत दाव का फेस वॉश कराने लाता है। रुत पूछता है कि तुम उस डॉग के लिए इतना क्यों रो रही थी। दाव कहती है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसकी जगह खुद मरने के लिए रेडी हूँ। रुत कहता है कि तुम अच्छी लड़की हो पर अगर तुम अपने मास्टर के बारे में बता दो तो बहुत सी जान बच सकती है। तभी उसे पूम के आने का पता चल जाता है। दाव कहती है कि वो लोग आ गए। रुत पूछता है कि कौन आ गए।
फांसी जाती है तो रुतुसो रोक कर किस कर लेता है। दाओ उसे पुश करके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रही थी, तुम्हें मरने से बचा रही थी, और चली जाती है। रुत उसके पीछे जाता है और कहता है कि मुझे कौन मारना चाहता है, और घर आकर सोचता है कि वो कहां गायब हो गई। पैट आकर पूछता है कि तुम हॉस्पिटल से कहां गायब हो गए थे। रुत पूछता है कि क्या चोर पकड़ा गया। पैट मना कर देता है और बताता है कि मन्नत को होश आ गया है और उसने कहा है कि उस पर ब्लैक टाइगर ने अटैक किया है। सेब भी उनकी बातें सुन लेती है और रुत के टर्न करने पर भाग जाती है। रुत कहता है कि शायद मैंने किसी को देखा। दाओ ने फुल मून पर किसी का ब्लड नहीं पिया तो मास्टर उसे हर्ट करता है। से आकर मास्टर को बताती है कि इनकी गलती की वजह से एक शिकार जिंदा बच गया। मास्टर कहता है कि उसने सबको हमारे बारे में बता दिया होगा। से कहती है कि दाओ ने उसको हिप्नोटाइज करके सब कुछ भुलवा दिया है। मास्टर दाओ को छोड़ देता है। से कहती है कि दाओ ना होती तब तक ये गुफा टूट चुकी होती। यिंग उसे नौकर का काम अच्छे से करने के लिए थैंक यू बोलती है। मास्टर कहता है कि तुमने गलती की है। यिंग कहती है कि गलती तुमने की है, अगर 74 इयर्स पहले तुमने अपने टीचर को धोखा ना दिया होता तो आज हमारी ये कंडीशन ना होती। मास्टर कहता है कि तुम्हें मारने से मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और चला जाता है। से दाओ को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। दाओ कहती है कि तुमसे अंकल इनकी स्मेल क्यों आ रही है। से बताती है कि उसने मुझे मन्नत को मारने से रोका था। दाओ कहती है कि अंकल इन अच्छे हैं और तुम्हें लाइक भी करते हैं। से कहती है कि मुझे पता है वो कितना अच्छा है। दाओ कहती है कि अंकल इन उसे हर्ट नहीं कर सकते जिससे प्यार करते हैं। से कहती है कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। दाओ कहती है कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, अंकल इन को अपने आप को प्रूव करने का एक चांस दो। से उसे हिट करके कहती है कि उसने मेरे डैड को मारा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, और चली जाती है। दाओ रुत के बारे में सोचकर स्माइल करती रहती है। दोनों मन्नत के पास होते हैं। रुत पूछता है कि ब्लैक टाइगर दिखने में कैसा था। मन्नत कहता है कि मुझे याद नहीं है। दोनों से रेस्ट करने के लिए बोलकर बातें करते हैं कि ब्लैक टाइगर का क्या करें। वायु मरुत के पास आकर कहता है कि रात में इस लेडी से मिला था, मैंने उस मन्नत के रूम की विंडो से जंप करते हुए देखा था। रुत कहता है कि अगर वो इतनी ऊपर से गिरती तो उसे चोट लग जाती। मैं भी रात उससे मिला था पर वो ठीक थी। वायु इनको पुलिस स्टेशन बुलाता है और रुत के पूछने पर कहता है कि सीसीटीवी फुटेज में अंकल इन भी थे, और चला जाता है। ऑफिसर्स इनको पुलिस स्टेशन ले आते हैं। इन्होंने हिट करके भागता है। रास्ते में रुत मिल जाता है। इन पैट को बाहर फेंक कर रुत को धमकी देकर ले जाता है। पैट वायु को बता देता है। इन रुत को मंदिर के पीछे ग्रेवयार्ड में चलने के लिए कहता है और अपने टीचर क्रूसिंग की ग्रेव पर आता है और रोते हुए कहता है कि मैं से का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। रुत पूछता है कि से कौन है और आप रात हॉस्पिटल क्यों गए थे, पुलिस ने आपको कैमरा में देख लिया था। इन पूछता है कि क्या तुमने किसी और को भी देखा। तभी एक पिलर गिरने से इनको चोट लग जाती है। इन उसे मैजिक से ठीक कर देता है। रुत उन्हें देखता है। इन कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना जो तुम जानना चाहते हो, मैं आज रात तुम्हें सब बता दूंगा। पुलिस वहां आ जाती है। वायु पूछता है कि तुम यहां क्यों भाग कर आए। रुत कह देता है कि मैं इन्हें यहां लेकर आया हूं, मुझे इस विलेज की हिस्ट्री के बारे में जानना था। अंकल इन मर्डरर्स को पकड़ने में हमारी हेल्प करेंगे, और पैट को लेकर चला जाता है। वायु उसे देखता है। सबऑर्डिनेट पूछते हैं कि आपने इनको क्यों छोड़ दिया। वायु कहता है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, फिलहाल तुम्हें इन पर नजर रखनी है। दाओ सपने में देखती है किंग ने रुत को मार दिया है और डर जाती है। उसके बाद वह गुफा से बाहर आती है तो रुत वहां होता है। दाओ कहती है कि तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है। पर वह रुत नहीं पूम होती है और कहती है कि तुमने रुत को बचाने में हेल्प की। यिंग आकर कहती है कि तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती, रुत कौन है और यहाँ क्या करने आया है। दाओ बता देती है कि वो अपने डैड के किलर को ढूंढने आया है। यिंग उसे हर्ट करती है और मास्टर के आने पर बताती है कि उस लेडी का बेटा वापस आ गया है जिसने चाकू से मुझे मारा था। मास्टर यिंग को साथ ले जाता है और मैजिक यूज करके एक गेट खोलकर वहां रखी क्रूसिंग की बुक चेक करता है। उसमें लिखा होता है जो सच्चा इंसान होगा वही जैन होम जंगल का राजा होगा, और जादुई चाकू पूरी प्रोसेस का एक पार्ट है, और वैम्पायर को वही इंसान मार सकता है। मास्टर ये बिक्रू सिंह का स्टूडेंट था। यिंग कहती है कि हमें मारने वाला मरुत ही हो सकता है। रुत मंदिर में बैठकर सोता रहता है। इन उसके पास आता है और उसके साइड में रखा हैंकी देखकर उसे उठाता है और पूछता है कि ये हैंकी तुम्हारे पास कैसे आया। रुत कहता है कि ये मेरा है। इन दोबारा पूछता है। रुत बता देता है कि 15 साल पहले एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी।
और दाव की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि क्या आप इसे जानते हैं। इन उसे देखता है और बाहर चला जाता है। रुद भी बाहर आकर कहता है कि आपने प्रॉमिस किया था सब कुछ बताने का, ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है। इन कहता है कि ये लड़की एक वैम्पायर है, ये हैंकी उसी का है। रुद कहता है कि आप शायद ड्रंक हो, दाव वैम्पायर नहीं हो सकती, आपके पास आकर मेरा टाइम वेस्ट हो गया। इन उसे रोक कर कहता है कि वैम्पायर्स खून पीते हैं, ना ही उनकी उम्र बढ़ती है और ना ही मरते हैं। रुद कहता है कि जाकर सो जाइए और चला जाता है। रुद अपना सामान पैक करके जंगल जाता है। पैट उसे रोकता है। रुद कहता है कि मुझे पता करना है दाव वैम्पायर है या नहीं। पैट उसे पागल बताता है और इनसे आकर कहता है कि आपने उसे बताया कि दाव वैम्पायर है, वो उसे ढूंढने जंगल चला गया है। दोनों रुद को ढूंढने जाते हैं, ऑफिसर्स भी उन पर नजर रखे हुए होते हैं। बूम दाव से कहती है कि खाना रेडी करने में हेल्प करो, आज रात गेस्ट आने वाला है। दाव पूछती है कि कौन आ रहा है, बूम उसे नहीं बताती। रुद जंगल में दाव को ढूंढता रहता है और वहाँ मास्टर को खड़े हुए देखता है। मास्टर फिशिंग करता रहता है और जाते हुए रुद का नाम लेता है। रुद उसके पीछे जाता है ये जानने के लिए कि उसे मेरा नाम कैसे पता। मास्टर उसे अपने पीछे पीछे गुफा के पास ले आता है। इन और पैट उसे ढूंढते रहते हैं तो रुद उनके पास चला जाता है। मास्टर से को इशारा करता है से वहाँ से चली जाती है। दोनों रुद के पास जाते रहते हैं, इन से को देख लेता है। ऑफिसर्स फायर करते हुए आते हैं तो से को गोली लग जाती है। इन्होंने शूट करने से रोकता है और कहते हैं कि अगर रुद को गोली लग जाती तो, और पैर में दर्द होने का नाटक करके से को देखता है। से वहाँ से चली जाती है। रुद उन्हें ढूंढता रहता है। मास्टर आकर उसे बेहोश कर देता है। बाकी लोग पानी पीने जाते हैं। इन से के पास आकर पूछता है कि तुम उन लोगों पर नजर क्यों रख रही हो और तुम्हारी चोट कैसी है। से उसे इग्नोर करके जाती है। इन पूछता है कि मरुद कहाँ है। से कहती है कि खुद जाकर ढूंढ लो और उसे कहो कि दाव से दूर रहे वरना मैं उसे मार डालूंगी। गुफा में यिंग रुद को मारने वाली होती है। मास्टर कहता है कि मुझे चेक करना है क्या वो यही है जो वैम्पायर्स को मार सकता है, और अगर ये वही हुआ तो क्या पता इसकी हेल्प से हम दोबारा इंसान बन जाएं। रुद के होश में आने पर दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। रुद पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। मास्टर कहता है कि हमारा घर है, तुम बेहोश हो गए इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। रुद इधर उधर देखता है। यिंग उसे खाना खाकर जाने के लिए कहती है। रुद उनके साथ आ जाता है और घर को ही देखता रहता है और पूछता है कि आप मुझे कैसे जानते हैं। मास्टर कहता है कि मेरी सर्वेंट ने तुम्हारे बारे में बताया था। रुद पूछता है कि क्या आप दाव के बॉस हो। वह हाँ करके कहता है कि मैं ही मास्टर हूँ। दाव खाना लेकर आती है और रुद को देखकर शॉक हो जाती है। मास्टर कहता है कि हमारा स्पेशल गेस्ट है, तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना है। दाव उसे भागने का इशारा करती है। रुद मना करता है। मास्टर दाव से खाना सर्व करने के लिए कहता है। दाव उसे इशारा करती रहती है और उसके पास आकर कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। यिंग पूछती है कि क्या कर रही हो। दाव सॉरी बोलकर दूसरा स्पून लेने जाती है। रुद उसे देखता है। दाव बाहर आकर कहती है कि रुद को कैसे बचाऊं। मास्टर और मैडम उसे मार डालेंगे। मास्टर पूछता है कि तुम दाव को कैसे जानते हो। रुद कहता है कि हम जंगल में मिले थे। क्या आपको यहाँ के मर्डर्स के बारे में कुछ पता है, मैं जानना चाहता हूँ कि 15 साल पहले मेरे डैड को किसने मारा था। मास्टर यिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है। यिंग पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड फुल मून की रात मरे थे। वह हाँ कर देता है। यिंग पूम को इशारा करती है। पूम रुद के ऊपर स्पाइडर डाल देती है। रुद उसे हटाने की कोशिश करता है पर स्पाइडर उसे बाइट कर लेती है। बुक में लिखा था कि अगर स्पाइडर वैम्पायर का खून पी ले तो उसके बाद किसी इंसान को काट ले और वो मर जाए तो रुद एक नॉर्मल इंसान होगा, और अगर नहीं मरा तो मरुद वही है जो हमें मार सकता है। स्पाइडर के काटने पर रुद बेहोश हो जाता है। यिंग कहती है कि ये तो मर गया, पर तभी स्पाइडर मर जाती है और रुद को होश आ जाता है। वह सबसे कहता है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। मास्टर कहता है कि इस गुफा में आने वाले तुम पहले हो, पर अब तुम्हें अपने डैड के पास जाना होगा। दोनों उसे अपना वैम्पायर लुक दिखा देते हैं। रुद उन्हें हिट करने की कोशिश करता है। मास्टर उसे मारने वाला होता है। तभी दाव वहाँ पर आग लगा देती है। रुद बचकर वहाँ से भाग जाता है। दाव उसके पीछे आती है। रुद कहता है कि तुम्हारा बॉस वैम्पायर है। दाव उसे ये सब बाद में डिस्कस करने के लिए कहकर अपने साथ ले जाती है। मास्टर पूम से रुद को ढूंढने के लिए कहता है। दाव उसे गुफा से बाहर ले आती है। सब उसे ढूंढते रहते हैं। पर वे दोनों किसी को नहीं मिलते। मास्टर गुस्सा करता है। दोनों भागते रहते हैं। दाव रुद को मास्टर के एरिया से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी पिन वहाँ उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। रुद उसे थैंक यू बोलता है तो दाव वहाँ से चली जाती है।
रुत उसे ढूंढने जाता है पर पिन जाने नहीं देती। रुत सॉरी बोलकर पुश करके भाग जाता है। दा उसके पास जाने वाली होती है पर पिन फिर से उसके पीछे आ जाती है। रुत उसे घर जाने के लिए बोलकर चला जाता है। पिन भी उसके पीछे जाती है। दा भी पिन के पास आकर उसे घर जाने के लिए कहती है। पिन उसे पहचान लेती है कि तुम दाओ हो और उसे रुत से दूर रहने के लिए कहती है। दाओ कहती है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पिन उसे हिट कहती है तो दाओ मैजिक यूज करके उसे रोक देती है। पर पिन उसे दोबारा हिट करती है तो दाओ वैम्पायर लुक में आ जाती है। पिन उसे देखकर डर जाती है। दाओ कहती है कि मेरी बात सुनो। पर पिन डर कर भाग जाती है। रुत भी उसका वैम्पायर लुक देख लेता है। दाओ नॉर्मल हो जाती है। रुत कहता है कि तुम वैम्पायर हो। दाओ उससे बात करने आती है। रुत डर जाता है और कहता है कि मेरे पास मत आना। वे कहती है कि मैं दाओ हूँ। रुत वहाँ से जाता है तो दाओ कहती है कि मुझे बताने का एक चांस तो दो। रुत उसे पुश कर देता है और कहता है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्होंने मेरे डैड को मारा था। दाओ रोती रहती है। जैसे ही रुत वहाँ से जाता है तो वहाँ तूफान आ जाता है। दाओ उसे साथ ले जाती है। रुत कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। दाओ उसे जबरदस्ती ले जाती है। मास्टर रुत को ढूंढता रहता है। रुत उसके साथ जाने से मना करता है। दाओ कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप चलो। भागते हुए दोनों गिर जाते हैं। दाओ उसे चोट लगने से बचा लेती है। रुत पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। दाओ उसे चुप कर देती है क्योंकि मास्टर उसे ढूंढ रहा है। रुत को याद आ जाता है कि वही है जिसने 15 साल पहले उसे बचाया था। दाओ को मास्टर के जाने का पता चल जाता है। वह पैर से पत्थर हटाने की कोशिश करती है तो रुत भी उसकी हेल्प करता है। दाओ का पैर निकल जाता है। वह उसे चलने के लिए कहती है। रुत उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा पैर ठीक है और चेक करता है। दाओ कहती है कि मैं इंसान नहीं हूँ और मैजिक से पैर ठीक कर लेती है और उसे चलने के लिए कहती है। रुत उसके पीछे पीछे चलता रहता है। दाओ कहती है कि मैं तुम्हें बाहर जाने के रास्ते तक छोड़ दूंगी। रुत पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, मुझे मारा क्यों नहीं। दाओ कहती है कि मैं बस तुम्हें सेफ दिखना चाहती हूँ। रुत कहता है कि 15 साल पहले भी तुमने यही किया था। दाओ को याद नहीं होता। रुत उसे उसका हैंकी दिखाता है तो उसे सब याद आ जाता है। रुत कहते है कि मैं वही हूँ। हम दोबारा मिल गए, मुझे पता चल गया तुम उन लोगों जैसी नहीं हो। दाओ रोने लगती है। रुत पूछता है कि तुम इन लोगों के बीच कैसे आ गई। दाओ बताती है कि मास्टर मेरी मॉम को मार रहा था, उन्हें बचाने के लिए मुझे ये लाइफ चूज करनी पड़ी। रुत उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। दाओ कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती, तुम्हें जाना होगा। रुत कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। दाओ कहती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। रुत उसे किस कर लेता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दाओ कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। यिंग रुत को ढूंढती रहती है और सेक को बताती है कि वो बचकर भाग गया। इन और पैट उनकी बातें सुन लेते हैं। दोनों बात करने के बाद चली जाती है। पैट कहता है कि ये कहाँ गायब हो गई। इन पैट को जंगल के बाहर वाले रास्ते पर ले जाता है जहाँ दाओ और रुत होते हैं। रुत उसे साथ में यहाँ से जाने के लिए कहता है। दाओ कहती है कि जब तक मेरे पास पैर में ब्रेसलेट है मैं यहाँ से नहीं जा सकती। रुत कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लूंगा, मेरा वेट करना। दाओ हाँ कर देती है और उसे हक कर लेती है। मास्टर रिंग वहीं आ जाते हैं। रिंग उन्हें मैजिक से अलग कर देती है। सेवी दाओ को रुत के पास जाने से रोकती है और उसे हिट करने वाली होती है। रुत आकर रिक्वेस्ट करता है कि इसे मत मारो। दाओ रुत को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मास्टर रुत को पकड़ लेता है। दाओ कहती है कि उसे छोड़ दो। रुत कहता है कि मुझे मार डालो पर दाओ को छोड़ दो। मास्टर कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते मिस्टर मरुत, और उसे मारने वाला होता है। पर दाओ आकर मास्टर को हिट कर देती है और रुत को लेकर भाग जाती है। इन और पैट उन्हें मिल जाते हैं। दाओ कहती है कि जल्दी चलो, मास्टर पीछे ही होंगे। इन कहता है कि रुत तुम्हारे जैसे वैम्पायर के साथ नहीं जाएगा। पैट सुनकर डर जाता है और कहता है कि तुम एक वैम्पायर को कैसे लाइक कर सकते हो। रुत कहता है कि ये किसी को हर्ट नहीं करती। इन कहता है कि अभी हर्ट नहीं करेगी पर बाद का क्या। दाओ भी कहती है कि मुझ पर ट्रस्ट मत करो, अंकल इनके साथ जाओ। रुत उसे रोकता है पर दाओ उसे पुश करके चली जाती है। दोनों उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। वापस आते हुए दाओ को मास्टर रिंग मिल जाते हैं। दाओ अपने वैम्पायर लुक में आकर मास्टर पर अटैक करती है, पर मास्टर की पावर्स के आगे उसकी पावर्स कुछ नहीं है और मैजिक यूज करके उसे हर्ट करता है और पूछता है कि मरुत कहाँ है। तीनों उनके एरिया से बाहर आते रहते हैं। से आकर रुत को पकड़ लेती है, उसे बातों में उलझाकर रुत को बाहर ले आता है। पैट कहता है कैसे देख रही है जैसे हमें खा जाएगी। से लाइन क्रॉस नहीं कर पाती। इन उसे चेक करने जाता है पर पैट जाने नहीं देता और साथ ले जाता है। तभी मास्टर वहाँ दाओ को लेकर आ जाता है और कहता है
किसकी सजा तो देख कर जाओ। यिंग उसे हर्ट करती है। रुताकर कहता है कि मुझे मार डालो। इन मास्टर पर अटैक करता है पर कुछ नहीं कर पाता। पैट वहाँ से चला जाता है। सेन को दोबारा अटैक करने से रोक देती है। यिंग रुत को हर्ट करती है। दार रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दो। रुत कहता है कि मुझे मार दो, बाकी सबको जाने दो। मास्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे बताता है कि तुम जानना चाहते थे ना तुम्हारे डैड को किसने मारा है। मैंने उन्हें मारा है। रुत गुस्से में उसे हिट करता है पर नहीं कर पाता। यिंग दाओ को हर्ट करती है। मास्टर रुत के फेस पर स्क्रैच करके उसे मारने वाला होता है। तभी पैट आकर इनका लॉकेट उसके गले में डाल देता है। इन भी मैजिक यूज करके उन्हें हर्ट करता है। पैट रुत को लेकर जाता है। मास्टर रुत को मारने वाला होता है पर दाओ बीच में आ जाती है। रुत उसके पास जाता है। दाओ उसे दूसरी साइड पुश कर देती है। धूप निकलने वाली होती है तो मास्टर वहाँ से भाग जाता है। से भी दाओ को चलने के लिए कहती है। दाओ रुत से कहती है कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान देकर भी खुश हूँ। से उसे वहाँ से ले जाती है। दोनों उसे उसके पास जाने नहीं देते। पिना कर वायु को बताती है कि दाओ एक वैम्पायर है। वायु कुछ सोचने लगता है। घर पर आंट टैप उन्हें नहीं बताती कि रुत कहाँ है तो वे उसे जॉब से निकालती हैं। कैट आकर कहती है कि ऐसा मत कीजिए, वो किसी मर्डरर को ढूंढने विलेज गया है। उसकी मम्मी ये सुनकर बेहोश हो जाती हैं। रुत सोचता रहता है कि दाओ को वहाँ से बाहर कैसे निकालूं। होश में आने पर उसकी मम्मी विलेज जाने के लिए कहती हैं। कैट कहती है कि आप इतनी डरी हुई क्यों हैं। वे बता देती हैं कि उस विलेज में वैम्पायर्स हैं। रुत के डैड को भी वैम्पायर नहीं मारा था, वे बहुत बुरे हैं। मैं रुत को खोना नहीं चाहती थी इसलिए उससे सच छुपाया और दूसरी कंट्री में पढ़ने भेज दिया। मुझे उन वैम्पायर से नफरत है। गुफा में दाओ रोती रहती है। से आकर कहती है कि क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। दाओ कहती है कि रुत को सेफ रखने के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ। अगर तुमने भी किसी से प्यार किया होता तो मुझसे ये सब ना पूछती। से उसे चुप करती है। पूमा आकर मास्टर के ऑर्डर पर उसे ले जाती है। से को उसकी टेंशन हो जाती है। पूमा आकर उसे बाहर ले आती है। यिंग आकर उसे हर्ट करती है। यिंग उसे दोबारा हर्ट करने वाली होती है पर से आकर उसे रोक देती है। यिंग उसे भी हर्ट करती है और मास्टर के आने पर छोड़ देती है। मास्टर दाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी पनिशमेंट सोच ली है। दाओ कहती है कि मैं मरने के लिए रेडी हूँ। मास्टर उसे हिट करता है और कहता है कि ये गुलाब का जहर मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। से कहती है कि ये तुम्हारे डैड का फॉर्मूला है। मास्टर बताता है कि इसे पीकर ये जब भी रुत के बारे में सोचेगी जहर इसकी बॉडी में फैलता रहेगा। दाओ कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा करके खुशी मिलेगी तो मार डालो। मास्टर उसे फिर से हिट कर देता है और से इसे उसे पिलाने के लिए कहता है। पूम दाओ के हाथ पकड़ती है। से रोते हुए उसके पास जाती है। दाओ उसके हाथ से लेकर खुद ही पी लेती है। जहर का असर स्टार्ट हो जाता है। मास्टर कहता है कि जितना रुत के बारे में सोचोगी उतनी जल्दी मर जाओगी। से उसे देखकर रोती रहती है। पैट रुत से वापस बैंकॉक चलने के लिए कहता है। रुत कहता है कि मैं दाओ को छोड़कर नहीं जा सकता। पैट कहता है कि तुम्हारी माम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, क्या तुम एक वैम्पायर के लिए अपनी जान दे दोगे। रुत कहता है कि उसने कई बार मेरी जान बचाई है, मुझे बस जानना है कि क्या वो ठीक है। इन सोचता रहता है कि अब तक बहुत गलत काम कर चुका हूँ पर अब नहीं। दोनों इनसे मिलने आते हैं और उसका न्यू लुक देखकर शॉक हो जाते हैं। इन रुत को थैंक यू बोलकर कहता है कि तुम्ही ने मेरी आंखें खोली हैं। मैं इतनी पावर्स के साथ भी अपने आप को यूजलेस समझता था पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था फिर भी तुम उस वैम्पायर से लड़ने चले गए। अब मैं अपने पास से और नहीं भागूंगा। जीत हो या हार फाइट तो करनी चाहिए। और मैजिक से रुत के फेस की चोट ठीक कर देता है। पैट ये देखकर शॉक हो जाता है। रुत कहता है कि मुझे उन वैम्पायर्स के बारे में जानना है। इन्होंने फोटो दिखाता है। रुत कहता है कि सब अच्छे फ्रेंड्स लग रहे हैं। फोटो पर डेट देखकर वे कहते हैं कि ये तो 74 इयर्स पुरानी फोटो है। पैट कहता है कि फिर तो आप 100 साल के होंगे। इन कहता है कि 104 साल का हूँ। पैट कहता है कि इस एज में भी आपकी बॉडी इतनी फिट कैसे है। इन बताता है कि मैंने ये मैजिक अपने टीचर से सीखा है पर प्रैक्टिस कम्प्लीट नहीं की तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। रुत पूछता है कि मास्टर वैम्पायर कैसे बना। इन बताता है कि हम पहले फ्रेंड्स थे और साथ में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कहा था कि हमें अपना मैजिक लोगों की हेल्प करने में यूज करना है, बुरे कामों में नहीं। पर ये ने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था तो टीचर ने गुस्से में उसे मैजिक सिखाने से मना कर दिया था। ये ने टीचर की बुक चुरा ली थी पर प्रैक्टिस गलत कर ली तो वो वैम्पायर बन गया था। वैम्पायर के 4 सर्वेंट्स होने चाहिए तो उसने यिंग पूम और दाओ को चूज किया। से को लगा उसके डैड को मैंने मारा है तो मुझसे बदला लेने के लिए वो वैम्पायर बन गई और मुझे नहीं लगा था कि दाओ जैसे वैम्पायर तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती है। रुत कहता है कि दाओ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या दाओ से मिलने का कोई रास्ता है, मुझे उसे बचाना है। इन्होंने गुफा का रास्ता बता देता है और कहता है कि एक मंत्र से ही गुफा का गेट खुलेगा और मंत्र भी बता देता है।
कैट रूथ को बता देती है कि तुम्हारी मॉम को वैम्पायर्स के बारे में पता है, जल्दी वापस आ जाओ। रूथ कहता है कि कल वापस आ जाऊंगा और फोन कट कर देता है। पैट कहता है कि हमारे पास अंकल इनकी तरह पावर्स नहीं है और वैम्पायर्स की गुफा में जाना डेंजरस है। रूथ उसे वापस जाने के लिए कहता है। पैट कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ वापस जाना होगा और इनसे कहता है कि इसे मत लेकर जाओ, इसे कुछ हो गया तो इसकी मॉम का क्या होगा। रूथ कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। इन कहता है कि करूंगा और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है और कहता है कि पैट सही कह रहा है, वैम्पायर्स को मैं हैंडल कर लूंगा। रूथ जाने से मना करता है तो इन उसे हिट करके बेहोश कर देता है और कहता है कि इसे रात होने से पहले यहाँ से ले जाओ, और रूथ से कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए दाव भी ऐसा ही करती। दाव रूथ के बारे में सोचती रहती है, जहर उसकी बॉडी में फैलता रहता है। से उसके पास आकर कहती है कि रूथ के बारे में मत सोचो वरना कल तक नहीं बच पाओगी। दाव कहती है कि रूथ अब तक घर चला गया होगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। मनत को डिस्चार्ज मिल जाता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि मेरी मेमोरी वापस कैसे आएगी। डॉक्टर बताती है कि जब वही चीजें तुम्हारे साथ दोबारा होंगी तो आ जाएगी। पैट मनत को कॉल करके कहता है कि हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। पिन की मम्मी को लगता है कि वो पागल हो गई हैं, तो उसे हॉस्पिटल में चेकअप कराने लाती हैं। पिन मनत से भी कहती है कि मुझ पे बिलीव करो, वैम्पायर्स होते हैं। पिन उसके हाथ पर स्क्रैच कर देती है। मनत को सब कुछ याद आ जाता है। वह पिन के पास आकर पूछता है कि मुझे वैम्पायर्स के बारे में जानना है, क्या कोई प्रूफ है। पिन कहती है कि पुराने केसेस की फाइल चेक करो, कुछ तो मिलेगा। मनत चुपके से पुलिस स्टेशन आकर रिकॉर्ड्स चेक करता है। उसे रूथ के डैड वाला बॉक्स मिल जाता है। सामान से उसे एक कैमरा मिलता है जिसे वो अपने साथ ले आता है और गांव में ही किसी से कैमरा ठीक करवाता है। वायु पैट की कार को ओवरटेक करके उन्हें रोक लेता है और पुलिस स्टेशन चलकर बात करने के लिए कहता है। वायु पूछता है कि क्या तुम मुर्दा और डेट कर रहे हो। पैट एक लॉयर है, वह कहता है कि इस बात का केस से क्या लेना देना है। रूथ कहता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि विलेज में सारे मर्डर्स दा और मैं कर रहे हैं। वायु कहता है कि मैंने तो नहीं कहा, पर तुम खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो। पैट कहता है कि पहले एविडेंस ढूंढ कर लाओ। वायु कहता है कि इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, तुम लोगों से ये बात कंफर्म करनी थी कि कल रात तुम कहाँ थे। तभी मनत का कॉल आ जाता है, वे उन्हें लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाता है। रूथ और पैट चले जाते हैं, वायु पीछे आता है पर वे निकल जाते हैं। वायु कहता है कि मुझे भी सच जानना है। मनत उसे कैमरा में वीडियो दिखाता है जो कैमरा 15 साल पहले उसके डैड जंगल में लेकर गए थे। वीडियो में दाव उसके डैड को बचाने की कोशिश करती रहती है पर मास्टर आकर उन्हें मार देता है। गुस्सा करता है और कहता है कि दाव ने मेरी ही नहीं मेरे डैड की भी जान बचाई थी, अगर मैं वापस बैंकॉक चला गया तो खुद को इंसान नहीं कहूँगा। मनत उसे रोकता है। रूथ कहता है कि तुम दोनों वापस चले जाओ और चला जाता है। पैट उसे रोकता है तो मनत कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं उसके साथ जाऊंगा और चला जाता है। मास्टर दाव से कहता है कि मुझसे रिक्वेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट बना दूंगा। दाव कहती है कि लोगों को मारने से तो अच्छा है खुद मर जाऊं। मास्टर उसे अभी मारने वाला होता है पर इंग आकर कहती है कि यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, हमें मरुद को पकड़ने के बारे में सोचना चाहिए, वो हमें मार सकता है। मास्टर कहता है कि वो दाव को बचाने यहाँ जरूर आएगा। इंग हंसकर कहती है कि ऐसा कोई नहीं है जो अपनी जान देकर अपने प्यार को बचाने आएगा, ये दुनिया सेल्फिश लोगों की है। मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें याद है टीचर क्रूसिंग कैसे मरे थे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये ने उन्हें नहीं मारा था और वह यिंग को भी सेल्फिश बताकर चला जाता है। मनत और रूथ गुफा के पास आ जाते हैं। रूथ की माँ उसे कॉल करके पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। रूथ हाँ करके कहता है कि मैं कल वापस आ जाऊंगा, मुझे समझ आ गया है कि आप मुझे यहाँ क्यों नहीं भेजना चाहती थी। आपने वैम्पायर्स को देखा है, वे कहती है कि बस देखा ही नहीं मरते मरते बची हूँ। रूथ कहता है कि वैम्पायर्स को मरना होगा और बाद में बात करने के लिए बोलकर फोन कट कर देता है। उसकी मम्मी कहती है कि ये क्या कहना चाह रहा था और उसकी सेफ्टी के लिए प्रे करती हैं। इन मंदिर में होता है। पैट आकर उसे बताता है कि रूथ वैम्पायर्स की गुफा में चला गया है। दोनों गुफा के सामने आ जाते हैं पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखता। रूथ को इनका बताया हुआ मंत्र याद आ जाता है। मनत कहता है कि ये बंदर कैसे जाएंगे। रूथ कहता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ अंदर जाना चाहते हो। मनत कहता है कि फ्रेंड सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं होते। रूथ उसे थैंक यू बोलकर हिट करके बेहोश कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ खतरे में नहीं डाल सकता, और मंत्र पढ़कर गुफा का गेट खोल देता है और अंदर आ जाता है। पुम उसे देख लेती है। ये मास्टर की सीक्रेट जगह पर जाने की कोशिश करती है पर मास्टर के आने पर छुप जाती है। मास्टर उस गुफा को एक मंत्र से खोलता है, तभी पुम वहाँ आ जाती है। मास्टर उसे हिट करके कहता है कि तुम्हें पता है इस एरिया में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता।
पूम उसे बताती है कि रुद यहाँ आ गया है। मास्टर गुफा का गेट बंद करके चला जाता है। सेम मंत्र सुन लेती है और गेट खोल कर अंदर चली जाती है। रुद्दाव के पास आ जाता है और उसके पास जाने से पहले मास्टर आ जाता है और कहता है कि अब तुम गए। दाव कुछ नहीं कर पाती, से दाव के लिए एंटीडोट ढूंढती रहती है। उसे अपने डैड की बुक मिल जाती है और कहती है कि ये ने झूठ बोला था कि ये इनके पास है। वे लोग रुद को बांध देते हैं। यिंग कहती है कि इसे मार डालो। मास्टर कहता है कि अभी नहीं, ये वापस इंसान बनने में हमारी हेल्प कर सकता है, अभी इसे ऐसे ही रहने दो। से आकर मास्टर को बताती है कि कोई तुम्हारी सीक्रेट जगह पर गया था। मास्टर चेक करने जाता है, वहाँ का सामान बिखरा हुआ होता है। बुक भी उसे वहाँ नहीं मिलती। ये गुफा में इधर उधर चेक करता रहता है। से उसे हिट करने वाली होती है पर इनके आने पर वह बच जाता है और से को हिट कर देता है। गुफा में आते हुए इन और पैट को मन्नत मिल जाता है। वे लोग उसे उठाते हैं और पूछते हैं कि तुम बेहोश कैसे हुए। मन्नत बताता है कि रुद ने मुझे अंदर साधना ले जाने के लिए बेहोश कर दिया था। तीनों अंदर जाते हैं। इन आकर पूम को हिट कर देता है। दोनों भी अंदर आकर इनकी हेल्प करते हैं। इन रुद को नीचे उतार लेता है और उन्हें बाहर भेज देता है। रुद उनके साथ नहीं जाता, दाव को लेने चला जाता है। दोनों उसके पीछे जाते हैं पर गलत रास्ते पर टर्न हो जाते हैं। रुद उसके पास आ जाता है पर वह भी होश होती है। रुद को लगता है कि वह मर चुकी है। रुद रोता रहता है। इन पूम को मारने वाला होता है। मास्टर आकर कहता है कि इसे छोड़ दोगे तो मैं से को छोड़ दूंगा। से कहती है कि मुझे सच पता चल चुका है, इसने मुझे धोखे से वैम्पायर बनाया। इन और ये की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कहता है कि इन दोनों को साथ में हेल भेजेंगे। रुद्दाव के पास होता है। मन्नत और पैट उसके पास आ जाते हैं। रुद्दाव को उठने के लिए कहता है पर वह नहीं उठती। रुद के किस करने पर उसकी बॉडी से जहर खत्म होता रहता है। मन्नत कहता है कि ये मर चुकी है, चलो यहाँ से। रुद जाने से मना करता है। दोनों उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। रुद जाने से मना करता है तभी दाव को होश आ जाता है। रुद उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है। दोनों भी उन्हें देखते रहते हैं। मास्टर इन और से को मारने के लिए अपनी तलवार लेने जाता है। यिंग से को हिट करती है। इन उसे रोकता है। मास्टर आकर कहता है किसने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी इससे प्यार करते हो। इन कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मास्टर उसे मारने वाला होता है। से कहती है कि मेरे डैड की बुक मेरे पास है, अगर इनको कुछ किया तो बुक तुम्हें नहीं मिलेगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मास्टर टीचर के पास आकर कहता है कि मैं वैम्पायर बनना नहीं चाहता, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। टीचर उसकी हेल्प के लिए मान जाते हैं और कुछ उठाने जाते हैं। इन कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे। मास्टर उसके पास एक ब्रेसलेट देखता है और कहता है कि अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। इन उसे देकर चला गया था। थोड़ी देर बाद मास्टर टीचर पर अटैक करता है। टीचर कहता है कि अगर वैम्पायर के नेक पर अटैक किया जाए तो वे मर जाते हैं। टीचर उसे मारने वाला होता है पर यिंग उन्हें मार देती है। मास्टर उनकी बुक ले लेता है। इन कहता है कि तुम दोनों ने टीचर को मारा है। से पूछती है कि अगर वे पहले ही मर चुके थे तो गुफा में कैसे गए। मास्टर कहता है कि मैंने टीचर से सीखा हुआ मैजिक उन पर यूज किया था। दोनों गुस्सा करते हैं तो मास्टर इनको हिट करता है और जान से मारने वाला होता है। तभी उसे पता चल जाता है कि कोई दाव को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तीनों दाव को लेकर वहाँ से जाते हैं। मास्टर आकर कहता है कि दाव अभी तक मरी क्यों नहीं और आकर रुद को हिट कर देता है और उसके बाद दाव को मारता रहता है। रुद वहाँ से चाकू उठाकर मास्टर को हिट कर देता है। मन्नत और पैट वहाँ आग लगाकर दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। इन मैजिक यूज करके अपने और से के हाथ खोल देता है। उसके बाद दोनों टीचर की बुक ढूंढने आते हैं। से उसे निकाल कर दे देती है। इन बुक में एक साइन ढूंढता है जिसे ड्रॉ करने से वैम्पायर्स की ताकत कम हो जाती है। से वो साइन देकर ही हर्ट हो जाती है। इन कहता है कि अगर मैंने मैजिक किया तो तुम और दाव भी ठीक नहीं रहोगे। से कहती है कि मेरी टेंशन मत लो, मास्टर इनको मारना है। इन ऐसा करने से मना करता है तो से कहती है कि मैं खुद जाकर इन्हें मार दूंगी और इनको पुश करके जाती है। तब इनको बुक में कुछ दिखता है। वैसे को बताता है कि अगर किसी इंसान का ब्लड वैम्पायर के माथे पर लगा दिया जाए तो उस वैम्पायर की पावर कम नहीं होगी। चारों वहां से भागते रहते हैं पर मास्टर यिंग और पूम वहीं आ जाते हैं। पैट फायर से उन्हें दूर करता है। रुद और दाव निकल जाते हैं पर पैट और मन्नत वहीं फंस जाते हैं। मास्टर उन दोनों के पास आ जाता है और रुद को मारने वाला होता है। यिंग मन्नत को बाइट कर लेती है। मास्टर रुद को बाइट करने वाला होता है पर तभी इन दीवार पर साइन बना देता है जिसकी वजह से वैम्पायर्स को प्रॉब्लम हो जाती है। पर से को कुछ नहीं होता। दोनों वहां से भाग जाते हैं। पैट भी मन्नत को लेकर वहां से जाता है।
से कहती है कि बदला लेने का टाइम आ गया है। सब बाहर आ जाते हैं, मन्नत की कंडीशन ठीक नहीं होती। वैम्पायर्स भी बाहर आ जाते हैं पर उनकी पावर्स कम होती है। रुत मास्टर से फाइट करता है और उसे हिट करने वाला होता है, पर बीच में बूम आ जाती है, तलवार उसके नेक पर लग जाती है तो वह मर जाती है। इनोर से भी बाहर आ जाते हैं, उनके आने पर दोनों भाग जाते हैं। से दाव को हक कर लेती है, उसके बाद सब लोग वहाँ से बाहर जाते हैं। मास्टर की पावर्स इतनी कम हो गई हैं कि वो अपनी गुफा का गेट नहीं खोल पाता। उसके बाद दोनों मेडिटेशन करके अपनी पावर्स बढ़ाते हैं। से कहती है कि दाव को कुछ क्यों नहीं हुआ। इन चेक करके कहता है कि इसकी हार्ट बीट वापस आ गई है, पर स्ट्रांग नहीं है। रित कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन कहता है कि सुबह होने का वेट करना पड़ेगा, शायद दाव दोबारा इंसान बन सकती है और ये सब रुत के प्यार की वजह से हुआ है। रुत खुश हो जाता है। इन कहता है कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। दाव के पैर का ब्रेसलेट निकल जाने पर अगर ये वैम्पायर नहीं बनी तभी ये इंसान बन सकती है। अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं और से मास्टर और रिंग को हैंडल करके आएंगे। अगर मास्टर मर गया तो तुम और से जंगल के बॉर्डर से बाहर जा सकते हो। चारों वहाँ से चले जाते हैं। मेडिटेशन से दोनों की आधी पावर्स वापस आ जाती हैं। सब गुफा से बाहर जाते रहते हैं। रिंग आकर रुत को पकड़ लेती है, वह पावर ज्यादा नहीं है तो रुत बच जाता है। सब भाग जाते हैं। रिंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मास्टर गुफा में आकर साइन देखता है और उसे मिटाने की कोशिश करता है। से और इन वहाँ आ जाते हैं और फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी बहुत फाइटिंग के बाद इन मास्टर को गर्म पानी में फेंक देता है। से खुश हो जाती है। तभी गुफा गिरनी स्टार्ट हो जाती है। दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। रिंग भी वहीं पर दब जाती है। से उसे मारने जाती है पर रिंग कहता है कि जब तक इसके माथे पर इंसान का खून नहीं लगेगा ये इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगी और जल्दी ही मर जाएगी। गुफा से बाहर आने पर से कहती है कि मेरे डैड की बुक अंदर ही रह गई। इन लाने के लिए कहता है और से कहती है कि मैं तुमसे फास्ट जाकर ला सकती हूँ। से उसे हक करके अंदर चली जाती है और बुक ढूंढती रहती है। मास्टर जिंदा होता है और से को पानी में ही खींच लेता है। से बाहर आने की कोशिश करती है पर मास्टर उसे जाने नहीं देता। से इनकी दी हुई सीटी बजा देती है। इन उसके पास आ जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है पर मास्टर उसे जाने नहीं देता। से इनसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उसका हाथ छोड़ देती है। मास्टर भी डूब जाता है और से भी। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। मास्टर का मैजिक हर जगह से खत्म हो जाता है। चारों कार में होते हैं। दाव को से और इनकी टेंशन होती है। मन्नत सबको देखकर स्माइल करता है और मर जाता है। गुफा के पास पुलिस आ जाती है। विलेजर्स वायु को बताते हैं कि गुफा वैम्पायर्स की है। वायु उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और अपने दो ऑफिसर्स के साथ गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ पर सामान देखकर ऑफिसर नू कहता है कि क्या सच में यहाँ वैम्पायर्स रहते थे। वायु कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। यिंग जिंदा होती है। नू उसे देखता है पर बाकी सबके देखने पर वह गायब हो जाती है और पीछे से आकर नू को बाइट कर लेती है। वायु उसे देख लेता है और शूट करना स्टार्ट कर देता है। सारी गोली नू को लग जाती है। यिंग उसका ब्लड अपने माथे पर लगाकर वहां से भाग जाती है। वायु शूट करता रहता है और नू को देखकर रोने लगता है। यिंग बाहर आ जाती है और कहती है कि ये सब दाऊरुत की वजह से हुआ है। पुलिस मन्नत की बॉडी को ले जाती है और दाव से पूछती है कि मन्नत कैसे मरा। पैट कहता है कि एक एनिमल ने अटैक कर दिया था। पुलिस को कॉल आता है कि एक गुफा मिली है, वहाँ आ जाओ। दाव को टेंशन हो जाती है। तीनों जंगल के बॉर्डर पर आ जाते हैं पर इन ओर से उन्हें वहाँ नहीं मिलते। रिंग आकर कहती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी और उन पर अटैक करती है। दाव रिंग को हर्ट करके उन्हें वहाँ से ले जाती है। रिंग भी बॉर्डर क्रॉस कर सकती है। जाते हुए दाव मैजिक यूज करके से और इनको देखती है और उससे कहती है कि वे मर चुके हैं और रोती रहती है। उसके बाद तीनों उनके लिए प्रे करते हैं। जाते हुए दाव कहती है कि अब मेरा अपना कोई नहीं बचा है। रुत कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी यिंग आ जाती है और फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। रुत उसे हिट करके वहां से भाग जाता है। तीनों स्टेशन पर आ जाते हैं और ट्रेन में बैठने से पहले किसी के कपड़े लेकर चेंज कर लेते हैं। यिंग उन्हें ट्रेन में जाते हुए देख लेती है। पैट कहता है कि ये रात मैं कभी नहीं भूल सकता, हमने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया है। दाव सॉरी बोलकर कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है। पैट कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। दाव बाहर देखकर कहती है कि सूरज निकलने वाला है, देखते हैं मैं जिंदा बचूंगी या जल जाऊंगी। रुत कहता है कि अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी सब कुछ ठीक होगा। दाव कहती है कि मैं भी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ और अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हूँ।
वो तो उसे हक कर लेता है, पैटिंग को आते हुए देख लेता है। तीनों ट्रेन के अंदर ही भागना स्टार्ट कर देते हैं, पर आगे रास्ता नहीं होता। दाओयिंग को रोकने की कोशिश करती है, जैसे ही इंगरूथ को बाइट करने वाली होती है तभी सूरज निकल जाता है। दाओ भी डर जाती है पर उसे कुछ नहीं होता। वो रोशनी में आ सकती है, रुत उसे हक कर लेता है। पैट भी खुश हो जाता है। इंग धूप से बचने के लिए एक घर में आती है और खुद को मिरर में देखकर कहती है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तीनों वापस सीट पर आ जाते हैं। रुत उसके पैर से ब्रेसलेट निकालता है। दाओ फिर से वैम्पायर बन जाती है। रुत ब्रेसलेट वापस पहना देता है। दाओ कहती है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। पैट कहता है कि तुम्हें आधी इंसान और वैम्पायर बनकर ही रहना पड़ेगा। रुत उसे अपने साथ ले जाकर सनराइज दिखाता है। दाओ देखकर खुश होती है। रुत कहता है कि इस प्रॉब्लम का भी सलूशन होगा, बस गिव अप नहीं करना। इतने दिनों तक अंधेरे में ही रही हो, अब नई दुनिया में जीना है। दाओ कहती है कि तुम्हारे साथ मैं हेल में जाने के लिए भी रेडी हूँ। रुत उसे किस कर लेता है। मॉर्निंग में दोनों ट्रेन में सोते रहते हैं। दाओ वहाँ नहीं होती, दोनों से ढूंढने निकल जाते हैं। दाओ फ्लावर्स खरीदने के लिए 74 इयर्स पहले वाले रेट के लिए आर्ग्यू करती है। रुत आकर पे कर देता है। शॉपकीपर कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को टेंपल ले जाओ। दाओ पूछती है कि गर्लफ्रेंड क्या होता है। रुत कहता है कि हमें लवर्स बता रही है। जाते हुए रुत गर्लफ्रेंड बुलाता रहता है। तभी कैट वहां आ जाती है। रुत पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो। कैट बताती है कि एड शूट कर रही थी और अपनी टीम भी दिखा देती है, और दाओ को देखकर पूछती है कि ये कौन है। रुत उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताने वाला होता है, पर दाओ उसे रोककर कह देती है कि मैं विलेज से अपनी माँ को ढूंढने यहाँ आई हूँ। रुत उसे देखता है। कैट उसे बताती है कि मैं रुत की बेस्ट फ्रेंड हूँ। हैंडशेक करती है, पर दाओ उसे ऐसे ही हेलो बोल देती है। कैट उसे देखकर खुश नहीं लगती और उससे साथ में घर चलने के लिए कहती है। रुत कहता है कि तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, घर पर मिलेंगे, और दाओ को लेकर चला जाता है। कैट उसे देखती है। रुत पूछता है कि तुमने हमारी रिलेशनशिप क्यों छुपाया, क्या अभी भी मेरे प्यार पर डाउट है। दाओ कहती है कि क्या पता तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे। रुत कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कैट उनकी बातें सुन लेती है। टीवी में विलेज वाली गुफा का इंसिडेंट दिखाते हैं। रुत की मॉम भी देखती हैं। उन्हें मनत की डेथ का पता चल जाता है। कैट आकर उन्हें रुत और दाओ के बारे में बता देती है। दाओ रुत को बताती है कि मेरे गायब होने के बाद मॉम आंटी के साथ बैंकॉक आ गई थी, मुझे नहीं पता अब वे कैसी हैं। रुत कहता है कि अब उनकी एज 100 के आसपास होगी। दाओ 115 बताती है। उसके बाद दोनों आंटी का घर ढूंढते रहते हैं। वे लोगों से पूछते हैं। एक ओल्ड लेडी बताती है कि वो यहाँ से शिफ्ट हो गई है, दूसरा एड्रेस मुझे नहीं पता। दाओ सैड हो जाती है। रुत उसे समझाता है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे और उसके लिए फ्लावर्स खरीदता है। रुत कॉल अटेंड करता है। एक लेडी का सामान गिर जाता है तो दाओ उसे देने उसके पीछे चली जाती है। सामान देकर वह वापस आती है तो उसे एक चोर मिल जाता है और दाओ के पीछे भागता है। दाओ वहाँ नहीं होती तो रुत उसे ढूंढने चला जाता है। भागते भागते दाओ गिर जाती है। चोर उसके पैर का ब्रेसलेट निकाल लेता है। दाओ वैम्पायर बन जाती है। चोर वहां से भाग जाता है। रुत उसे ब्रेसलेट पहना देता है। दाओ ठीक हो जाती है और रुत को हक कर लेती है और कहती है कि उसने देख लिया। रुत कहता है कि उसकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करेगा। उसके बाद रुत उसे अपने घर लेकर आता है। दोनों विंडो से उन्हें देखती हैं और गुस्से में होती हैं। रुत उसे अंदर ले आता है और लेट आने के लिए अपनी मॉम को सॉरी बोलता है। वे दाओ के बारे में पूछती हैं। कैट बता देती है कि अपनी माँ को ढूंढने यहाँ आई है। रुत पूछता है कि क्या दाओ यहाँ रह सकती है। उसकी मम्मी मना करने वाली होती हैं, पर कैट कहती है कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए और दाओ को देखती हैं। रुत उसे अपने घर के पीछे वाले अपार्टमेंट में लाता है जहाँ दाओ रह सकती है। घर पर रुत की मम्मी कैट से कहती हैं कि ये लड़की उस विलेज से आई है, मुझे टेस्ट करना है कि ये वैम्पायर है या नहीं। वायु भी बैंकॉक में होता है और अपने कलीग नू की फोटो देखकर सैड होता है। पैट और रुत दाओ की मॉम के बारे में पता लगाते रहते हैं। वहाँ वायु उन्हें मिल जाता है। रुत पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वायु बताता है कि मैं फोटोग्राफर बन गया हूँ, पुलिस जॉब से मैंने रिजाइन दे दिया है, मेरी वजह से मेरा ऑफिसर मर गया। रुत पूछता है कि क्या हुआ था।
वायु बताता है कि उसे एक वैम्पायर ने मारा है, मैंने खुद से देखा है, मैं किसी भी वैम्पायर को छोड़ूंगा नहीं। रुद्र कहता है कि पॉइंट पर आओ। वायु कहता है कि मुझे दाव पर शक है वो वैम्पायर है, क्योंकि इतने ऊपर से जंप करने पर उसे कुछ नहीं हुआ था। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? रुद्र कहता है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर क्यों करूं? अब तो तुम ऑफिसर भी नहीं हो और दाव एक अच्छी लड़की है, उसे ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, और चला जाता है। पैट कहता है कि हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। रुद कहता है कि मुझे जल्दी से दाव को पूरी तरह से इंसान बनाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वायु अपने ऑफिसर से रुद का एड्रेस निकलवाता है। रुद की मम्मी दाव को किचन में खाना बनाने में हेल्प करने के लिए बुलाती हैं और उसके सामने ब्लर रख कर कहती है कि अपने रियल लुक में आओ। दाव वहाँ से जाती है, उसकी मम्मी ब्लर उसके ऊपर डाल देती है। वहाँ से जाने के चक्कर में दाव के पैर का ब्रेसलेट निकल जाता है और वह वैम्पायर बन जाती है। दोनों उसका फेस देखने वाली होती है। रुद आकर उसे उसका ब्रेसलेट पहना देता है तो दाव नॉर्मल हो जाती है। रुद उसे उठाता है और अपनी मम्मी पर गुस्सा करता है। उसकी मॉम कहती हैं कि तुम इस वैम्पायर को घर में लाकर पछताओगे, और चली जाती हैं। दाव रुद से सॉरी बोलने के लिए कहती है। रुद कहता है कि अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया। दाव कहती है कि उन्हें तुम्हारी टेंशन है। रुद कहता है कि उन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम कितनी अच्छी हो। उसके बाद रुद अपनी मॉम के पास आता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि 15 साल तक मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि तुम्हारे डैड को वैम्पायर ने मारा था, क्योंकि मैं तुम्हें सेफ रखना चाहती थी। रुद कहता है कि मुझे पता है, पर सारे वैम्पायर्स एक जैसे नहीं होते। उसकी मम्मी गुस्से में चली जाती हैं। रुद को टेंशन हो जाती है। वायु ऑफिसर नू के लिए टेंपल में प्रे करने आता है। दूसरा ऑफिसर उसे दाव और रुद की पिक्चर्स दिखाता है और बताता है कि दाव यहाँ अपनी मॉम को ढूंढने आई है और रुद के घर पर रह रही है। वायु कहता है कि अगर दाव वैम्पायर हुई तो मैं उसे मार डालूंगा। दाव रुद के पास आकर कहती है कि प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। रुद स्माइल करता है। दाव उसे टेम्पलेट बनाकर दिखाती है कि माँ को ढूंढने के लिए मैंने ये बनाया है। रुद कहता है कि तुम्हारी माँ का फोटो होना चाहिए। दाव कहती है कि मेरे पास नहीं है। रुद कहता है कि मुझे बताती रहना, मैं ड्रॉ कर दूंगा। रुद स्केच बना देता है। दाव उसे थैंक यू बोलती है। रुद स्केच के साथ दाव की पिक्चर क्लिक करता है। तभी पैट आकर उसे वहाँ से ले जाता है। पैट बताता है कि मैंने दाव की मॉम का एड्रेस पता करा लिया है। रुद कहता है कि दाव को बताने से पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा। दोनों वहाँ आ जाते हैं। घर को बंद देखकर दोनों वहाँ से जाते हैं, पर रुद गेट पर जान होम फ्लावर का साइन देखकर कहता है कि हम सही जगह आए हैं। घर के पीछे वाला गेट खुला होता है। दोनों अंदर आ जाते हैं और दाव की मॉम के बारे में पूछते हैं। वे बताती हैं कि ग्रेट ग्रैंडमदर अभी जिंदा हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। दाव की मम्मी सोती रहती हैं, तो अभी दोनों उनसे नहीं मिल पाते। दाव की आंटी उन्हें बताती हैं कि वे अपनी बेटी को मिस करती रहती हैं। तुम दाव को कैसे जानते हो? रुद ने दाव की फोटो दिखाता है। वे अपने सामान में चेक करके फोटो मैच कर लेती हैं और पूछती हैं कि इसकी एज क्यों नहीं बढ़ी। रुद उन्हें वैम्पायर वाली स्टोरी बताकर ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है। घर पर रुद की मॉम पंडित जी का दिया चाकू देखती हैं और आकर पैट से कहती हैं कि ये चाकू वैम्पायर्स को मार सकता है। अगर दाव को चाकू टच करने पर कुछ हुआ तो वो वैम्पायर है, और टेस्ट करने दाव के रूम में आते हैं, पर दाव वहाँ नहीं होती, बाहर होती है। मेड आकर बताती है कि कोई तुमसे मिलने आया है और तुम्हारी माँ के बारे में जानता है। अंदर होता है वायु और कहता है कि रुद ने मुझे तुम्हारी माम के पास ले जाने के लिए कहा है। आंटैप उनकी बातें सुन लेती हैं। दाव वायु के साथ चली जाती है। आंटैप रुद की माम को सब बता देती हैं। पैट घर देखता रहता है तो उसे वायु की फोटो दिखती है। वह आकर रुद को भी दिखाता है। आंट उसे बताती हैं कि ग्रेट ग्रैंडमदर की सिस्टर का बेटा है और दाव का ग्रैंड चाइल्ड। दाव वायु के साथ होती है, दोनों का पीछा करती हैं। उसकी मॉम रुद को कॉल करके पूछती हैं कि तुमने दाव को लेने के लिए ऑफिसर वायु को क्यों भेजा है। रुद कहता है कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, और पैट को बता देता है। पैट कहता है कि वो दाव को मार डालेगा। रुद पूछता है कि क्या वायु को दाव के बारे में पता है। आंट बताती हैं कि उसे बस इतना पता है कि दाव नाम की ग्रैंडमदर है जो जान होम सैंडबैग लेकर रखती हैं। दोनों आइडिया लगाते हैं कि वायु कहाँ हो सकता है और वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों वायु को फॉलो करती रहती हैं, पर किसी के सामने आने से एक कार को हिट कर देती हैं। कार वाला उनसे आर्ग्यू करने लगता है। दोनों वहीं फंस जाती हैं। वायु दाव को टेम्पल में लेकर आता है। उसके पास भी जान होम का सैंडबैग होता है। दाव कहती है कि तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हो, और भागने की कोशिश करती है।
पर वायु से अपने साथ ले जाता है और ऑफिसर नू की ग्रेव के पास लाकर तलवार से हिट करने वाला होता है। दाव कहती है कि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है। वायु कहता है कि तुम्हें मरना होगा। दाव वहाँ से भाग जाती है। रुत और बैट भी टेम्पल आ जाते हैं और उन्हें ढूंढते रहते हैं। कैट और उसकी मॉम भी वहीं होती हैं। वे लोग दाव को पकड़ लेते हैं। दाव के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों छुपकर उन्हें देखती हैं। वायु से बचने के चक्कर में दाव का ब्रेसलेट निकल जाता है। वायु हिट करने वाला होता है तो वो वैम्पायर बन जाती है। कैट उसे देखकर डर जाती है और बेहोश हो जाती है। दाव दोनों को हिट करके बेहोश कर देती है और अपना ब्रेसलेट पहनकर नॉर्मल हो जाती है। रुत और पैट वहाँ आ जाते हैं। होश में आने पर वायु फिर से दाव पर अटैक करता है। उसे मारने वाला होता है। रुत वहाँ आता है तो वायु उस पर गन पॉइंट कर देता है। रुत उसे बता देता है कि ये तुम्हारी ग्रैंडमा है। वायु उस पर बिलीव नहीं करता। तभी दाव के पास वायु सैंडबैग देख लेता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्रेट ग्रैंडमदर ने वायु को दाव के गायब होने के बारे में बताया था और कहा था कि वो बहुत अच्छी लड़की है। वायु गन और तलवार नीचे रख देता है और सैंडबैग देखता है। पैट जाकर गन उठा लेता है। दूसरा ऑफिसर कहता है कि मुझे दे दो। वायु पूछता है कि तुम्हारे पास ये सैंडबैग कहाँ से आया। रुत बताता है कि ये तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमदर की बेटी और तुम्हारी ग्रैंडमा है। इसने कभी किसी को नहीं मारा। मास्टर ने इसे अपना गुलाम बनाया हुआ था। वायु उनकी बातों पर बिलीव कर लेता है और दाव को ग्रैंडमा बुलाकर कहता है कि मुझे नहीं पता था इतने सालों बाद भी तुम इतनी यंग दिखोगी, और नीचे बैठकर सॉरी बोलता है। दाव उसे उठाती है और हक कर लेती है। सब खुश हो जाते हैं। कैट कहती है कि दाव सच में वैम्पायर है। उसकी मॉम कहती है कि उसने रुत पर मैजिक किया है। कैट कहती है कि उसे दूर रखने में मैं भी आपका साथ दूंगी। दाव अपने मॉम से मिलने आती है। उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं आज बहुत खुश हूँ। दाव ने उनका दिया सैंडबैग दिखाती है और उन्हें हक कर लेती है। वे कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी उनकी डेथ हो जाती है। दाव रोती रहती है। सब उनके लिए टेम्पल में प्रे करते हैं। उसके बाद दाव रुत के साथ होती है। रुत उसे घर चलने के लिए कहता है। दाव कहती है कि मुझे तुम्हारे माम के लिए कुछ खरीदना है। जाते हुए वायु उनके पास आता है और बताता है कि फोटोग्राफी के न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। रुत उसे गुड लक विश करता है। वायु थैंक यू बोलकर कहता है कि मेरी ग्रैंडमा का ध्यान रखना। दाव उसे हक कर लेती है। वायु चला जाता है। कोई सीक्रेटली उनकी पिक्चर्स क्लिक करता है और ये काम होता है कैट का। वे उसके रिलेटिव्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है और कहती है कि मैंने प्लानिंग कर ली है। रुत की माँ उसे चाकू दे देती हैं और पूछती हैं कि क्या प्लान है। कैट उन्हें नहीं बताती। दोनों मार्केट में होते हैं। रुत की कार गलत जगह पार्क होती है तो वो दाव को वहीं रुकने के लिए बोलकर चला जाता है। कुछ लोग दाव से टकरा जाते हैं। उसका ब्रेसलेट निकल जाता है तो दाव वहाँ से भाग जाती है। वो उसका ब्रेसलेट देने उसके पीछे जाते हैं। दाव अकेले में आकर बैठ जाती है। वे लोग उसका ब्रेसलेट वापस करते हैं। तभी रुत वहाँ आ जाता है और ब्रेसलेट पहना देता है। दाव कहती है कि मैं अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई हूँ, मास्टर तो मर चुका है। वैम्पायर्स की गुफा में इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। दो वर्कर्स अंदर होते हैं। उनमें से एक दीवार पर इनका बनाया हुआ साइन मिटा देता है। मास्टर जिंदा हो जाता है और इनको भी होश आ जाता है। मास्टर पानी से बाहर आ जाता है और दोनों वर्कर्स को मार देता है। इन उठकर कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो गए। मास्टर कहता है कि गॉड चाहता है कि तुम मेरे हाथों से मरो और उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी सी फाइटिंग के बाद इन वहां से भाग जाता है। मास्टर धूप में उसके पीछे नहीं जा पाता। इन टेम्पल में आता है। पंडित जी उसे बताते हैं कि तुम बाहर से ठीक हो पर अंदर से नहीं। इन कहता है कि ये वापस आ गया है पर से क्यों नहीं आई। वे चेक करके बताते हैं कि वो वापस नहीं आएगी। इन बेहोश हो जाता है। दोनों घर वापस जाते रहते हैं। रास्ते में पेट टूटा हुआ होता है तो रुत उसे हटाने में बिजी हो जाता है। तभी एक आदमी दाव को मारने वहां आता है, जिसे पैट ने दाव को मारने के लिए हायर किया है। वह दाव को हिट करने वाला होता है पर रुत आकर उसे हिट कर देता है। वहां पर एक सांप होता है जो उस आदमी को काट लेता है। दाव रुत से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। रुत कहता है कि तुम्हें मारना चाहता था। दाव कहती है कि कुछ भी हो मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वो आदमी उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। दाव पूछती है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे। रुत की मम्मी पूछती हैं कि क्या तुम्हारा प्लान काम करेगा। कैट झूठ बोल देती है कि मैंने बस उसे दाव को डराने के लिए कहा था। कैट उस आदमी को कॉल करके पूछती है कि क्या रुत ने दाव की असलियत देख ली। रुत आकर कहता है कि मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया।
और अपने मॉम को उनका चाकू देता है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग ऐसा करोगे। वह आदमी आकर कहता है कि मैं दाऊ जैसी अच्छी लड़की को नहीं मार सकता। कैट कहती है कि मैंने मारने नहीं बस डराने भेजा था। रुद कहता है कि भेजा तो तुम नहीं था, और दाऊ को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। कैट उसे देखती है। पैट उनके रहने का अरेंजमेंट कर देता है। रुद कहता है कि हमें दाऊ को ठीक करना होगा। पैट कहता है कि वैम्पायर को इंसान बनाना हम कैसे कर पाएंगे। रुद कहता है कि अंकल इन होते तो हमारी हेल्प करते। इन मेडिसिन पीता रहता है। पंडित जी को उसकी रियल एज दिखती है। वे उसे बताते हैं कि तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग बॉडी वापस आ रही है, ज्यादा माइंड यूज मत करो वरना ज्यादा दिन तक बच नहीं पाओगे। एक चोर चोरी करके उसी घर में आकर छुपता है जहाँ यिंग होती है। वह उसे मारकर ठीक हो जाती है और मिरर में देखकर कहती है कि मुझे बदला लेना है। इन उनसे से को वापस लाने का तरीका पूछता है। से को धोखे से वैम्पायर बनाया गया था तो उसे वापस लाने का एक तरीका है। बाहर आकर वे उसे एक मैनुअल देते हैं जिसमें से को वापस लाने के बारे में लिखा होता है। यिंग उनकी बातें सुनती रहती है। एक रिंग भी होती है जिससे से की पावर्स वापस आ जाएंगी। इन कहता है कि ये को पता चलने से पहले मुझे एक काम करना होगा। यिंग को पता चल जाता है कि मास्टर जिंदा है। वे उसे बताते हैं कि रिंग पहनकर वैम्पायर धूप में आ सकते हैं। इन वापस जाता रहता है। यिंग उसे से का रूप लेकर बेवकूफ बनाती है और उससे मैनुअल और रिंग लेकर भाग जाती है। उसके बाद वह मैनुअल पढ़कर कहती है कि मैं मास्टर से ज्यादा पावरफुल बन सकती हूँ। रिंग पहनकर रिंग धूप में भी आ सकती है। डॉक्टर टैप के कुछ लोग गुफा में सामान चुराने आते हैं। मास्टर आकर उन्हें मार देता है और कहता है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। दाऊ बुक रीड करती रहती है। तभी उसका पैर दर्द करने लगता है। वह पानी में गिर जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मास्टर मैजिक करता रहता है। रुत आकर उसे देख लेता है और पानी में जंप करके उसे बचा लेता है। बाहर आकर दाऊ कहती है कि पहले मास्टर मुझे ऐसे हर्ट करता था, शायद वह जिंदा है। रुत कहता है कि वो मर चुका है। यिंग मास्टर के पास आती है। वह कहता है कि धूप में आने पर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। यिंग कहती है कि तुमने तो पता भी नहीं किया कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। मास्टर कहता है कि यहाँ आई हो तो कुछ काम ही होगा। घर पर भूख लगने पर दाऊ एनिमल का ब्लड पीती है और उसे अच्छा नहीं लगता। वह रुत के पास आती है और ब्लड देखकर वैम्पायर बन जाती है। दाऊ कंट्रोल करके वहाँ से जाती है। रुत उसे रोककर कहता है कि तुम मेरा ब्लड पी सकती हो। दाऊ पीने वाली होती है पर सॉरी बोलकर चली जाती है। रुत फिर से आकर कहता है कि पी लो। दाऊ कहती है कि तुम्हारा खून पीने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है और बेहोश हो जाती है। पैट भी आ जाता है। रुत दाऊ को रूम में ले जाता है। पैट कहता है कि अगर कुछ ना किया तो ये पूरी तरह वैम्पायर बन जाएगी। मैं डॉक्टर टैप को जानता हूँ जो ऐसे केसेस हैंडल करते हैं। रुत कहता है कि अपॉइंटमेंट ले लो। यिंग उसे बताती है कि अगर तुम मरुद का ब्लड पी लो तो तुम वापस इंसान बन सकते हो, और उसके बाद अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड पी लूं तो मैं भी इंसान बन जाऊंगी। मास्टर कहता है कि तुम खुद जाकर उसका ब्लड पी सकती हो। यिंग बताती है कि वैम्पायर के किंग को रुद की परमिशन से ब्लड पीना होगा। तुम दाऊ को यूज करके उसकी परमिशन ले सकते हो। मास्टर उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर उसे मार देता है और कहता है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। तुम्हारी आत्मा को मेरी गुफा का ध्यान रखना होगा। और उसके हाथ से रिंग निकाल कर मैजिक से पता कर लेता है कि ये किस काम की है, और उसे पहनकर धूप में आ जाता है। बाहर आकर मास्टर को डॉक्टर टैप के लोग मिलते हैं। वे उसे वर्कर समझकर कहते हैं कि क्या तुम गुफा से सामान ले आए, शायद तुम नए हो। मास्टर उन्हें गोल्ड दिखाकर कहता है कि अगर तुम मुझे बैंकॉक तक छोड़ दो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। वे मान जाते हैं और उसे अपने ट्रक में ले जाते हैं। रास्ते में मास्टर कहता है कि मरुद मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। कैट दाऊ की फोटो देखकर कहती है कि मैं तुम्हारा सच रुद के सामने ला कर रहूंगी। तभी एक चोर उसका फोन लेकर भाग जाता है। कैट हेल्प के लिए चिल्लाती है। एक आदमी चोर को पकड़ लेता है। चोर फोन वापस देते हुए दाऊ की फोटो देखकर उसे वैम्पायर बताता है। कैट उसे डिटेल्स में पूछती है। चोर बताता है कि अगर इसके पैर से ब्रेसलेट निकाल दो तो ये वैम्पायर बन जाती है। कैट उसकी वीडियो बना लेती है और उसकी मम्मी को दिखाती है। दोनों फिर से प्लानिंग कर लेती हैं। इनको सपने में से जिंदा होते हुए दिखती है। उसके बाद वह गुफा में आता है और मैनुअल में लिखा हुआ प्रोसेस फॉलो करता है। इनको सीटी की आवाज आती है। वह बाहर आता है तो से वहाँ होती है और उसे हक कर लेती है। इन कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया। गुफा में उन्हें यिंग दिखती है। से आकर पूछती है कि क्या ये सब मास्टर ने किया है। यिंग कहती है कि प्लीज मुझे मार डालो। से पूछती है कि मास्टर कहाँ है। यिंग बता देती है कि मरुद को मारने बैंकॉक गया है और मैनुअल वाली बात भी बता देती है।
मैनुअल को उसने जला दिया था। यिंग कहती है कि जाकर मरुत और दाव को बचाओ और मरकर गायब हो जाती है। तीनों डॉक्टर टैप के पास जाने वाले होते हैं, पर डॉक्टर टैप उन्हें कॉल करके इवनिंग में आने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि मेरा कुछ सामान डिलीवर होने वाला है तो अभी मैं बिजी हूँ। से की पावर्स कम होती हैं। इन कहता है कि उन्हें बचाने से पहले तुम्हें खुद ठीक होना पड़ेगा। ट्रक डॉक्टर टैप के घर के पास आ जाता है। मास्टर वहाँ सबको मार देता है और अंदर डॉक्टर टैप के पास आकर उन्हें भी मार देता है। मास्टर मैजिक यूज करके उसकी और पैट की बातें सुन लेता है और कहता है कि मेरा लक अच्छा चल रहा है। तीनों रास्ते में होते हैं और खुश होते हैं कि अब दाव ठीक हो जाएगी। दाव को डॉक्टर टैप का घर अजीब लगता है। वे कहती है कि मुझे नहीं लगता यहाँ कोई इंसान रहता है। पैट कहता है कि क्या पता डॉक्टर टैप के पास भी सुपर पावर्स हों। मास्टर डॉक्टर टैप का रूप लेकर बैठा रहता है। तीनों उसके पास आ जाते हैं। वह दाव को अपने पास बुलाता है। दाव नहीं जाती और दोनों को वहाँ से चलने के लिए कहती है। वह रुद को टच करता है तो दाव उसे पुश कर देती है। मास्टर कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है और जाकर रुद को पकड़ता है। दाव उसके ऊपर गर्म पानी डाल देती है तो वह अपने रियल लुक में आ जाता है। दोनों उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। दाव विंडो खोलकर उसे धूप से डराने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं होता और दाव को हट करना स्टार्ट कर देता है। पैट रुद को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। मास्टर भी दाव को बाहर ले आता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारा ब्लड पी लूं तो दाव वापस इंसान बन जाएगी। रुद मान जाता है। पैट दाव को अपने पास ले आता है। रुद उसे उसका खून पीने की परमिशन दे देता है। मास्टर उसका खून पीने वाला होता है पर रुद उसे चाकू से हिट कर देता है तो वह वहां से भाग जाता है। तीनों भी वहां से निकल जाते हैं। मास्टर गुस्सा करता है। दोनों पता लगा लेती हैं कि रुत और दाव पैट के घर पर हैं। दाव को रोशनी से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। रुत विंडो बंद कर देता है। रुत को मास्टर की बात सच लगती है तो वो उसके पास जाता है पर दाव उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम मास्टर के पास गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रुत उसे हक करके कहता है कि मैं पैट के साथ बाहर जा रहा हूं। दाव उसे प्रॉमिस करवा लेती है कि वो मास्टर के पास नहीं जाएगा। उसके बाद दोनों दाव को ठीक करने का रास्ता ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। रुत अपने डैड के पास आकर कहता है कि दाव को ठीक करने में मेरी हेल्प करो। उसे याद आता है कि ये टेंपल उसकी मॉम की फैमिली का है और टेंपल में एक म्यूजियम भी है। दोनों वहां आकर सामान चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। रुत को वहां एक पेंटिंग दिखती है जिसमें पहले किसी ने अपनी वैम्पायर वाइफ को इंसान बनाया था। पैट उस पेंटिंग की फोटो ले लेता है। रुत उनकी स्टोरी इंटरनेट पर चेक करता है। उन्हें दो चीजें मिलती हैं। एक साइन है जिससे अपनी वैम्पायर गर्ल को दूसरे वैम्पायर से बचाया जा सकता है और दूसरा सोल एक्सचेंज बॉक्स जिससे दाव वापस इंसान बन सकती है। पर बॉक्स कहाँ मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सेओरिन गुफा में मेडिटेशन करके अपनी पावर्स बढ़ाते हैं। से कहती है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इन्हें सुनकर सैड हो जाता है। दाव सपने में देखती है कि उसने वैम्पायर बनकर रुत को मार दिया। उसके चिल्लाने पर रुत वहां आ जाता है। दाव कहती है कि हम मास्टर को नहीं हरा पाएंगे। रुत और पैट उसे साइन और सोल एक्सचेंज बॉक्स के बारे में बताते हैं और गेट पर दाव को मास्टर से बचाने के लिए साइन बनाकर ट्राई करते हैं कि ये तरीका काम करता है या नहीं। वे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। कोई वैम्पायर न घर से बाहर जा सकता है और न बाहर से अंदर आ सकता है। पैट कहता है कि अब हमें सोल एक्सचेंज बॉक्स ढूंढना है। नेक्स्ट डे रुत अपना फोन घर पर ही रख कर जाता है ताकि दाव से बात कर सके और उसे बाय बोलकर चला जाता है। रुत बाहर आकर अपनी मॉम को कॉल करता है पर वे रिसीव नहीं करती। घर वाले फोन पर अनटैप उसे बताती हैं कि वे टेंपल गई हैं। रुत पैट से भी टेंपल आने के लिए कहता है। रुत अपनी मॉम के पास आ जाता है। वे उसे गुस्सा होती हैं। रुत कहता है कि थोड़ा टाइम दीजिए सब ठीक हो जाएगा और उनसे सोल एक्सचेंज बॉक्स के बारे में पूछता है कि क्या आपकी फैमिली के पास वो बॉक्स है। वे कहती हैं कि मेरे पास बस वैम्पायर्स को मारने वाला चाकू है। बॉक्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरा चाकू लो और उस वैम्पायर गर्ल को मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे। और चली जाती हैं। दाव घर पर होती है। उसे पता चल जाता है कि मास्टर आसपास ही है। वह उसके घर के बाहर होता है। दाव उसे विंडो से देख लेती है। रुत दाव को कॉल करता है पर वह रिसीव नहीं करती। पैट कहता है कि ये काम मैं हैंडल कर लूंगा तुम दाव के पास जाओ। मास्टर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है पर नहीं जा पाता। दाव कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते। रुत का ब्लड मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मास्टर साइन ढूंढता है उसे मिल जाता है। वह दाव को ब्रेसलेट के थ्रू हर्ट करने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद गेट पर नॉक होता है। दाव विंडो से चेक करती है तो वहाँ कैट होती है। दाव कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो यहाँ खतरा है। कैट उसके पैर में ब्रेसलेट देखती है और कहती है कि तुमने रुत को मुझसे छीना है। कैट उसे हर्ट करती है और वीडियो बनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगी और ब्रेसलेट निकालने की कोशिश करती रहती है।
तभी रुद वहाँ आ जाता है और कैट को साइड कर देता है। कैट कहती है कि इसने तुम पर मैजिक किया है। रुद भी उससे आर्ग्यू करता है। कैट गुस्से में चली जाती है। उन सब की बातें मास्टर सुन लेता है। कैट घर जाते हुए रोती रहती है। मास्टर उसकी कार के सामने आ जाता है। वह बाहर आकर चेक करती है तो मास्टर उसके पीछे खड़ा होता है और उसे बाइट कर लेता है। ज्यादा माइंड यूज करने से इनकी रियल बॉडी धीरे धीरे वापस आती रहती है, पर वह इस बात का सेय को पता चलने नहीं देता। कैट होश में आ जाती है। मास्टर उसके पास आ जाता है। कैट हेल्प के लिए चिल्लाती है। मास्टर उसे अपना मैजिक दिखाकर कहता है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कैट पूछती है कि तुम कौन हो। मास्टर कहता है कि मैंने तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड पिया है। मैं क्या हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मुझे मरुद का ब्लड पीना है। कैट कहती है कि मैं तुम्हें रुद को मारने नहीं दूंगी। वह कहता है कि रुद के ब्लड की एक या दो ड्रॉप के बदले तुम्हें दाव से छुटकारा मिल जाएगा। तभी कैट का फोन रिंग करता है। मास्टर कहता है कि फोन रिसीव करो और जैसा मैं बोलूं वैसा करना है। फोन रुद की मॉम का होता है। मास्टर उन्हें पैट के घर बुलवाता है क्योंकि उसकी मॉम ही रुद का बनाया हुआ साइन मिटा सकती है। पैट आकर रुद को एक लॉकेट देता है और बताता है कि बॉक्स के बारे में किसी को नहीं पता। रुद कहता है कि बॉक्स दो जगह हो सकता है, या तो मेरे घर पे या फिर विलेज के उस जंगल में। रुद पैट को लॉकेट देकर जंगल वाले मंदिर जाकर पंडित जी से मिलने के लिए कहता है। रुद की माँ वहाँ आ जाती हैं। कैट उन्हें मास्टर से मिलवाती है। वे कहती हैं कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मास्टर कहता है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है। वे कहती हैं कि तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। वे कहता है कि मुझे दाव चाहिए। आप अपने बेटे को उससे बचाना चाहती हैं ना। मास्टर उसकी मम्मी से रुद का बनाया हुआ साइन हटवा देता है। दाव गेट के पास आती है। मास्टर वहाँ आ जाता है। ड्राइवर आकर बताता है कि उसकी माम पैट के घर गई हैं। रुद आंट टैप को लेकर चला जाता है। मास्टर अंदर आकर दाव को हिट करता है। कैट उसके पैर से ब्रेसलेट निकाल लेती है। दाव वैम्पायर बन जाती है। मास्टर उसे हिट करता है। रुद की माम कहती हैं कि ये वैम्पायर से कैसे लड़ सकता है, और उसे टच करके पता लगा लेती हैं कि वो वही वैम्पायर है जिसने रुद के डैड को मारा था। मास्टर उन्हें मारने वाला होता है, पर दाव उसे रोककर रुद की माम से भागने के लिए कहती है। मास्टर उन्हें छोड़कर दाव को हिट करना स्टार्ट कर देता है। रुद की माम उसे देखती हैं और चाकू से मास्टर को हिट करने वाली होती हैं, पर कैट उन्हें रोक देती है। दोनों की आर्गुमेंट चलती है। गलती से चाकू रुद की माम को ही लग जाता है। दाव भी उन्हें देखती है। वे बेहोश हो जाती हैं। दाव उनके पास जाती है, पर मास्टर उसे हिट करके बेहोश कर देता है। रुद वहाँ आ जाता है, पर वहाँ बस उसकी माम होती है। रुद उन्हें हॉस्पिटल ले आता है और कहता है कि माम को किसने हर्ट किया है। पैट विलेज आ जाता है, पर पंडित जी वहाँ नहीं जंगल गए होते हैं। पैट उन्हें ढूंढने जंगल में ही आ जाता है और मन्नत को मिस करके कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करना। वह पंडित जी को ढूंढता रहता है। तभी कुछ भूत आकर उस पर अटैक कर देते हैं। मन्नत की स्प्रिट आकर सबको वहाँ से भगा देती है। पैट उसे देखता है। मन्नत उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। पैट पूछता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मन्नत उसे गुफा का रास्ता बताकर कहता है कि वहाँ तुम्हें दाव और रुद को बचाने वाले लोग मिलेंगे, और चला जाता है। पैट उसे थैंक यू बोलता है और मन्नत की बताई जगह पर चला जाता है। रुद हॉस्पिटल में होता है। पैट उसे कॉल करके बताता है कि मुझे गुफा में बॉक्स नहीं मिला। रुद भी उसे बताता है कि दाव गायब है और कैट भी। पैट कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। जैसे ही वह वापस जाता है, उसे से और इन मिल जाते हैं। पैट उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वे कहते हैं कि हम बैंकॉक ही जा रहे थे, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पैट बताता है कि सोल एक्सचेंज बॉक्स ढूंढने आया था और उन्हें अपने साथ ले जाता है। मास्टर दाव को बांध कर रखता है। कैट आकर उसे हिट करती है। दाव कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। तभी मास्टर वहाँ आ जाता है। कैट कहती है कि इसे जल्दी मारो। वे कहता है कि रुद का खून पीने तक वेट करना होगा। रुद हॉस्पिटल में ही होता है। मास्टर उसे कॉल करके दाव की आवाज सुनाता है और कहता है कि अगर दाव को जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ आकर मुझे अपना खून पीने दो। तुम्हारे पास एक घंटा है। रुद कहता है कि मैं आ रहा हूँ। आंट टैप आकर बताती हैं कि तुम्हारी मॉम सेफ हैं। रुद उनसे कहता है कि चाहे जो हो जाए, आपको मेरी मॉम का ध्यान रखना है, और चला जाता है और मास्टर की बताई जगह पर आ जाता है। पैट इन और से को कपड़े चेंज कराकर हॉस्पिटल ले आता है। आंट टैप उन्हें बताती हैं कि रुद जल्दी में गया है और अजीब बातें कर रहा था। इनको टेंशन हो जाती है। वह बाहर आकर मैजिक यूज करके पता करता है कि रुद कहाँ है। पैट उसे भी बाहर आते हैं। इन्होंने बता देता है कि रुद कहाँ है। पैट समझ जाता है किस लोकेशन पर डॉक्टर टैप का घर है। मास्टर दाव से कहता है कि तुम्हारा हीरो तुम्हें बचाने आ गया है,
पर अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों की लव स्टोरी एंड होने वाली है और कैट को उसके पास छोड़कर चला जाता है। मास्टर बाहर आता है तो गेट पर रुत नहीं पुलिस ऑफिसर होता है। वे कहता है कि किसी ने कम्प्लेन की है कि तुम्हारे घर से गंदी स्मेल आ रही है, मुझे चेक करना है। मास्टर उसे अंदर ले आता है। रुत छुपकर उन्हें देखता है और अंदर आ जाता है। दाव कैट से कहती है कि तुमने आंटी को क्यों हर्ट किया। कैट कहती है कि अगर तुम ना होती तो रुत मेरा होता। रुत उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम उस वैम्पायर का साथ दोगी। कैट कहती है कि मैं 10 साल से तुम्हारी और आंटी की केयर कर रही हूँ और तुम्हें मुझे छोड़कर इस वैम्पायर गर्ल से प्यार हो गया, इसे मरना होगा। रुत जाकर उसे पुश कर देता है और दाव के हाथ खोलकर कैट से कहता है कि तुम मेरी पहले वाली फ्रेंड नहीं हो और दाव को लेकर चला जाता है। ऑफिसर को अंदर मरा चूहा मिलता है। वे पूछता है कि तुमने इसे क्लीन क्यों नहीं कराया। मास्टर कह देता है कि मैं आज ही बाहर से आया हूँ। ऑफिसर उसे क्लीन कराने के लिए बोलकर चला जाता है। वहाँ डॉक्टर टैब की डेड बॉडी होती है जो ऑफिसर को नहीं दिखती। दोनों वहाँ से बाहर आते हैं पर गेट लॉक होता है। मास्टर आकर कहता है कि तुम इतना आसानी से नहीं भाग सकते और मैजिक से दाव को हर्ट करना स्टार्ट कर देता है। रुत और मास्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है जिस फाइट में रुत पिटता रहता है। कैट कहती है कि उसे अपना खून पीने दो वरना मैं इसे मार डालूंगी। दाव कहती है कि तुम चाहती हो कि मास्टर उसे मार दे। कैट कहती है कि एक दो ड्रॉप से कुछ नहीं होगा। दाव कहती है कि मास्टर ने तुम्हें यूज किया है वो रुत को मारना चाहता है। कैट मास्टर से कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। मास्टर रुत को छोड़कर कैट को हर्ट करता है। उसके बाद वह दाव को मारने वाला होता है तभी उसे पेन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि तीनों वहाँ वैम्पायर्स को हर्ट करने वाला साइन लेकर आ जाते हैं। इन और मास्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। मास्टर वहाँ मैजिक यूज करके कैट को लेकर भाग जाता है। रुत सबको अपने साथ घर ले जाता है। मास्टर मेडिटेशन से अपनी पावर्स बढ़ाता है। कैट चुपचाप वहाँ से जाती है पर मास्टर उसके पास ही आ जाता है। कैट कहती है कि मुझे भी अपने जैसा बना दो जो कभी ना मर सके। मास्टर उसे भी वैम्पायर बना देता है। रुत को कैट की टेंशन होती है। इनाकर पैट को बताता है कि रुत का खून पीने के बाद ये इंसान बन जाएगा पर उसके पास वैम्पायर्स वाली पावर्स रहेंगी। से कहती है कि ऐसा तभी होगा जब रुत उसे अपना खून पीने की परमिशन दे। मास्टर सोता रहता है। कैट उसे धूप में जलाकर मारने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं होता। कैट उसके पास आती है। मास्टर उसे हिट करता है। कैट कहती है कि तुम्हें धूप में कुछ क्यों नहीं हुआ। मास्टर ने मैजिक यूज किया होता है। पैट को लगता है कि धूप है पर रात होती है। मास्टर कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं था इसीलिए मैंने ऐसा किया और उसे मारकर वहां से चला जाता है। मॉर्निंग में रुत दाव और से को मास्टर से बचाने के लिए बाहर साइन बना देता है। दाव फिर से वैम्पायर बन जाती है। रुत उसे अपनी माँ को याद करने के लिए कहता है। सैंड बैग देखकर दाव नॉर्मल हो जाती है। इन उसका नेल चेक करके बताता है कि यह कल सुबह तक पूरी तरह वैम्पायर बन जाएगी और रुत को भी भूल जाएगी। से कहती है कि हमारे पास बस एक दिन है, जल्दी से सोल एक्सचेंज बॉक्स ढूंढना पड़ेगा। रुत को अपनी मॉम की टेंशन होती है कि मास्टर उन पर दोबारा अटैक कर सकता है। इन कहता है कि उसे मैं हैंडल कर लूंगा, तुम घर जाकर बॉक्स ढूंढो। आंट टैब कुछ सामान लेने बाहर चली जाती है। मास्टर हॉस्पिटल आ जाता है और रुत की मॉम को मारने वाला होता है। तभी इन वहाँ आ जाता है और पैट भी उसे साइन दिखाता है तो मास्टर वहाँ से भाग जाता है। इन पैट को वहीं रुकने के लिए बोलकर मास्टर के पीछे जाता है। उसके बाद दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। रुत घर पर बॉक्स ढूंढता रहता है। दाव का खुद पर से कंट्रोल हट जाता है। वह बाहर किसी को मारने जाती है और सी के रोकने पर भी नहीं रुकती तो वह उसे बेहोश कर देती है। हॉस्पिटल में रुत की मॉम को सपने में रुत के डैड दिखते हैं। वे भी उन्हें दाव और रुत को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। उन्हें होश आ जाता है। पैट इनको उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। अपने हाथ में हैंकी देख कर वे पूछती है कि किसका है। पैट बताता है कि दाव ने आपके लिए बनाया है। वे सोचती है कि दाव मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी और उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। नॉर्मल होने के बाद दाव से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे रुत की हेल्प करने जाने दो, अगर मैं फिर से वैम्पायर बनी तो तुम हैंडल कर लेना। रुत बॉक्स ही ढूंढता रहता है। दाव और से वहाँ आ जाती हैं। से अपने पावर्स यूज करके कहती है कि मुझे नहीं लगता बॉक्स यहाँ है। उसकी मम्मी उसे वीडियो कॉल करती है और कहती है कि मुझे लगा था दाव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है पर वो बहुत अच्छी लड़की है, और दाव को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। उसके बाद वे रुत से कहती हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे पता है बॉक्स कहाँ है।
तुम्हारे डैड के मरने के बाद मैंने उस बॉक्स को जंगल में जैन होम पेड़ के नीचे दबा दिया था। रुत उन्हें थैंक यू बोलता है। वे कहती हैं कि जल्दी जाकर दाव को ठीक करो। तीनों निकल जाते हैं। मास्टर्स अपनी पावर्स बढ़ाता रहता है और पता लगा लेता है कि वे लोग सोल एक्सचेंज बॉक्स ढूंढ रहे हैं। सब लोग जंगल आ जाते हैं और पेड़ के पास बॉक्स ढूंढते हैं। से अपने पावर्स यूज करके बता देती है कि बॉक्स यहाँ है। इन उस जगह पर चेक करता है, उन्हें बॉक्स मिल जाता है। सब खुश हो जाते हैं। रुत उसे खोलने वाला होता है तभी तेज हवा चल जाती है। रुत के हाथ से बॉक्स छूट जाता है। मास्टर आकर बॉक्स उठा लेता है और कहता है कि अगर बॉक्स चाहिए तो रुत को बोलो मुझे अपना खून पीने दे। से और इन प्लान बनाते हैं। इन उस पर अटैक करता है। से उससे बॉक्स लेकर पैट को दे देती है। इन सबको वहाँ से भेजकर मास्टर से फाइट करता है। भागते हुए तीनों को दो रास्ते दिखते हैं। पैट रुत को बॉक्स देकर दूसरे रास्ते से भेजकर वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। मास्टर पैट के पास आकर बॉक्स मांगता है। पैट उसे बैग से साइन निकालकर दिखाता है। मास्टर हंसकर कहता है कि अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पैट कहता है कि मैं तो गया। मास्टर उससे बैग लेकर चेक करता है पर उसमें बॉक्स नहीं होता। पैट उसे बुरा बताता है। मास्टर उसे हिट करके ऊपर से नीचे फेंक कर चला जाता है। दाओ रुत को इन और से मिल जाते हैं। इन्होंने किसी सेफ जगह पर जाकर बॉक्स खोलने के लिए कहता है। दोनों मास्टर को हैंडल करने वहीं रुक जाते हैं। दवा के लिए भागती रहती है। मास्टर उसके पीछे ही होता है। इन्हें अपनी शर्ट पर ब्लड से साइन बनाता है। मास्टर दाव को पकड़ लेता है। दाव स्माइल करके गायब हो जाती है और फिर से भागना स्टार्ट करती है। मास्टर उसे ढूंढता है। दाव पीछे से आकर सीटी बजाती है। मास्टर पहचान लेता है कि वो दाव नहीं से है। मास्टर उसे मारने वाला होता है। इन वहां साइन लेकर आ जाता है जिससे दोनों को प्रॉब्लम हो जाती है। इन आकर से के माथे पर अपना ब्लड लगा देता है तो वो ठीक हो जाती है। इन कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा और उससे फाइट करता है। मास्टर अपना ब्लड साइन पर डालता है तो साइन की पावर खत्म हो जाती है और वह फिर से इनको हिट करता है। उसके बाद वह से को भी हर्ट करता है और इनसे कहता है कि तुम कभी मेरे फ्रेंड थे इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ और चला जाता है। उसके जाने के बाद इनसे को बचाता है। दोनों भागकर एक जगह पर आते हैं। से कहती है कि तुम्हारी चोट ठीक क्यों नहीं हुई। इन कहता है कि हो जाएगी। से उसे दाव और रुत की हेल्प करने के लिए भेज देती है। इनके पास भी टाइम कम है क्योंकि उसकी पावर्स खत्म होती जा रही हैं। रुत सोल एक्सचेंज बॉक्स खोलता है पर उसमें कुछ नहीं होता। दोनों सैड हो जाते हैं। रुत गुस्से में बॉक्स को पानी में फेंक देता है। सुबह होने वाली है। दाव पूरी तरह वैम्पायर बन जाएगी। वे कहती है कि वैम्पायर बनने से पहले मुझे मार दो, मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ। रुत मना करता है। तभी मास्टर वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा खून दाव को बचा सकता है। दाव रुत को मना करती है। रुत कहता है कि मैं परमिशन दे रहा हूँ। मास्टर के बाइट करने पर रुत कहता है कि मेरा खून पीने की परमिशन अच्छे वैम्पायर्स को है, तुम्हारे जैसे बुरे वैम्पायर्स को नहीं। बिना परमिशन वाले ब्लड से उसे प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मास्टर फिर से उनके पास आ जाता है और उसे हिट करके कहता है कि उठा लो चाकू और फिर से हिट करता है। तभी इन वहाँ आ जाता है। दोनों की फाइटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मास्टर दाव को मारने वाला होता है। से आकर उसे रोकती है और उसकी रिंग निकालने की कोशिश करती है। सब आकर मास्टर को रोकते हैं। इन उसका रिंग वाला हाथ ही काट देता है जिसकी वजह से वह धूप में जलकर मर जाता है। से के पास रिंग होती है। इन कहता है कि इसे पहन लो तो तुम धूप में भी जिंदा रह सकती हो। से को पता है कि इन मरने वाला है तो वह भी रिंग फेंक देती है और धूप में जलकर मर जाती है। अब है इनकी बारी। वह कहता है कि मेरे भी जाने का टाइम आ गया है। उसकी रियल एज दिखती है। वह भी मरकर गायब हो जाता है। दोनों उनके लिए प्रे करते हैं। दाव के पास भी टाइम कम है। वह लास्ट टाइम रुत के साथ सनराइज देखती है। दोनों रोते रहते हैं। रुत कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। दाव हाँ बोल देती है। दोनों पानी में जंप करने वाले होते हैं। रुत के तीन तक गिनने पर दाव उसे पुश कर देती है और स्माइल करते हुए अकेले जंप कर देती है और डूब जाती है। रुत भी जंप करता है पर उसे दाव नहीं मिलती। अब दिखाते हैं एक हफ्ते बाद का सीन। रुत दाव को मिस करता रहता है। पैट आकर बताता है कि हमारी टीम को दाव पानी में नहीं मिली। रुत सैड होकर चला जाता है। उसके बाद वह सैंट बनाता रहता है जिसकी फ्रेग्रेंस दाव के सैंट बैग जैसी होगी। 3 महीने बाद वह सैंट बना लेता है और अपने डैड के पास लाकर कहता है कि सैंट का नाम मैंने दाव रखा है। पैट आकर दाव के बारे में बात करता है तो रुत सैड हो जाता है। उसके पास दाव का ब्रेसलेट होता है जो जंप करते हुए वहीं गिर गया था। तीनों उसे विलेज चलकर दाव के लिए प्रे करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह 3 महीने से वहां गया नहीं है। रुत मना करता है पर पैट के फोर्स करने पर मान जाता है।
उसके बाद दोनों को इनोर्सी की ग्रेव के पास दिखाते हैं। ग्रुथ पैट से थोड़ी देर के लिए रहने के लिए बोलकर चला जाता है और जंगल में आकर जेन होम पेड़ के पास अपना बनाया हुआ सेंट रखता है और वापस चला जाता है। दाव कहती है कि मुझे सेंट अच्छा लगा और उसके पास जाती है। रुत उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम बची कैसे। दाव कहती है कि पानी में जंप करने के बाद गाँव वालों ने मुझे बचा लिया था और पंडित जी ने मेरा ट्रीटमेंट किया। रुत कहता है कि मुझे बता दो देती कि तुम जिंदा हो। दाव कहती है कि मैं बताना चाहती थी पर मुझे कंफर्म करना था कि मैं वैम्पायर बनूंगी या नहीं। पंडित जी ने 3 महीने का वेट करने के लिए कहा था और आज पूरे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। मैं पूरी तरह इंसान बन चुकी हूँ। रुत खुश हो जाता है और उसे सबसे मिलाने लाता है। वे सब भी खुश हो जाते हैं। विलेज से वापस जाने से पहले रुत उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो भी जैन होम फ्लावर से।